परिवर्तित हो सकते हैं। और ये आज की जरूरत है, नए जमाने की नई जरूरत है, जिसे लोग भी हाथों हाथ ले रहे हैं और बहुत पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं। लेकिन ये भी हमारे यूथ है, ये हमारे जो सीनियर सिटीजन है, चलो घर बैठे बैठे हम कुछ अच्छा करते हैं, कोई उद्योग करते हैं, तो क्या समस्या सबसे पहले आती है? सबसे पहले आती है पूंजी की समस्या, फाइनेंस, पैसा कहाँ से आएगा? कोई भी उद्योग शुरू करना, आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। और पैसा, इसका जो समाधान है वो है मुद्रा लोन। तो जीटो, और खास तौर पे जीटो मुंबई जोन, मुद्रा लोन के लिए बहुत प्रयास कर रहा है कि इसको घर घर पहुंचाए, लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुंचाए। हमारे जीटो के चेयरपर्सन पृथ्वीराज जी कोठारी और उनकी अध्यक्षता में तो पिछले दिनों एक मीटिंग इसी बात के लिए बुलाई गई थी कि भाई मुद्रा लोन को कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं और उसका लाभ लोगों तक दे। सभी चेयर जो चेयरपर्सन थे चैप्टर्स के, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी राय बताई। एक हमने गाइडलाइन जैसा बनाई कि मुद्रा लोन को सबसे बढ़िया तरीके से सबसे कम समय में कैसे पहुंचा सकते हैं। तो मैं आज पृथ्वीराज जी कोठारी साहब से मैं अनुरोध करूंगी कि वे अपने स्वागत भाषण में ये जो छोटी सी हमने वो बनाई, योजना बनाई थी मुद्रा लोन को घर घर तक पहुंचाने की और जरूरतमंद तक को पहुंचा करके उनको लाभ देने की, उस बारे में आज सबसे अवगत कराएं और उनसे भी ये शेयर करें कि हम सब आपके साथ मिलकर के सहयोग के साथ किस तरह से मुद्रा लोन को आगे बढ़ा सकते हैं। पृथ्वीराज जी साहब कोठारी, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया वेलकम स्पीच से चालू करें। नमस्ते और सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। धन्यवाद ममता जी, आपने जो टॉपिक लिया है वो नो डाउट हम सबके लिए, खास करके भरत भाई, प्रदीप भाई, और जो अभी हाल में जो आपने देखा होगा कि जो अपनी जीतो मुंबई जोन के ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है लास्ट मंथ, तो उसमें जो जोहित कुमार बंसाली, जोहित कुमार जैन और मनीष ने जो मेहनत की है, इसमें जो काम किया है कि मुद्रा लोन को कैसे घर घर तक हर जैन के जिसको भी जरूरत है उसको पहुंचाया जाए। सबसे पहले मैं नो डाउट हमारे सब चैप्टर चेयरमैन और सेक्रेटरी, जीतो के डायरेक्टर यहाँ पे उपस्थित है, जीतो के डायरेक्टर भी है, लेडीज विंग के सब महिलाओं को मैं सादर जय जिनेंद्र करता हूँ कि ये जो मुद्रा लोन है नो डाउट आपको पूरी एक छोटी से छोटी जानकारी, जो भी आपके अगर मन में कोई भी क्वेश्चनर है तो भरत भाई भी है और हमारे ज्योत कुमार जैन भी है, ये आपको पूरे डिटेल में आपको समझाएंगे कि मुद्रा लोन क्या है, कैसे उसके डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कैसे उनको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, कौन सी बैंक से किया हुआ है, कैसे डॉक्यूमेंट होगा, कैसे प्रोसेस होगा और कैसे पैसा आएगा, तो ये आपको भरत भाई पूरी तरह समझाएंगे। ठीक ये चीज है कि अब हाल ही में कोविड फिर से जो सेकेंड कहते हैं कि सेकेंड वेव आ गई है, मैं सबको एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और जैसे मोदी जी हर बार कहते हैं मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, हाथ धोइए और 2 गज की दूरी बना के रखिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है तो जरूर आप वैक्सीन लगवा लीजिएगा, कहीं भी अपने नजदीक के सेंटर में, अभी 45 साल के ऊपर की है तो उसमें अपने अपने को चाहिए कि अगर कोई नहीं डर रहे हैं तो उनको समझा के उन्हें एक बार वैक्सीन लगाना चाहिए। और मैं सेकंड चीज कहना चाहता हूं कि फर्स्ट वैक्सीन के बाद में एक बार एंटीबॉडी चेक करा लेना चाहिए कि एंटीबॉडी कितनी आपकी बनी हुई है। अगर एक बार आप एंटीबॉडी, जब दूसरा टीका लगाने के पहले एक बार सिर्फ एंटीबॉडी चेक करा के आप फिर दूसरा टीका जो 6 वीक से 8 वीक से या 4 वीक से 8 वीक से उसमें लगाइए। और जिन्होंने भी नहीं लगाया है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, खास करके इस वेबिनार के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी जल्द टीका लगा लीजिए और अगर लगा लिया है तो एक बार एंटीबॉडी करा के फिर दूसरा टीका लगाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा है, हमने जब बहुत डॉक्टरों से बात की है कि कहीं कहीं किसी किसी की एंटीबॉडी बहुत ज्यादा हो जाती है और किसी की बनती नहीं है, तो इस तरह एक बार एंटीबॉडी कराने के बाद में पता चल जाएगा कि आपकी एंटीबॉडी कितनी बन रही है, तो उस हिसाब से आप टीका थोड़ा डिले भी लगा सकते हैं, 2 महीने बाद भी लगा सकते। फिर से एक बार मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, इस वेलकम करता हूँ इस मुद्रा लोन के सब्जेक्ट के ऊपर। मुद्रा लोन क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी है,
मुद्रा लोन करने की सबसे बड़ी हमारी जरूरत पड़ी थी कि हमने देखा था कि इस फर्स्ट जो कोविड के मार्च 2020 से चालू हुआ उसके बाद में काफी लॉकडाउन काफी लंबा रहा। लोगों कैपिटल उनकी वाइप आउट हो गई थी जी और बहुत सी ऐसे नीडी पीपल थे जिनको पैसे की सख्त जरूरत थी। जी तब हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, मैं था, प्रदीप भाई थे और भरत भरत भाई हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हमारे जीतो से डे वन से हमारे साथ में है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको एक लोन के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उन्होंने काफी मेहनत की और एक तरह से मुद्रा लोन जो आज की डेट में हर एक को जरूरत है कि उसको कैसे हर एक जैनों के जिनको नीड है उनके घरों तक पहुंचाया जाए। रही बात इंटरेस्ट की, तो उन्होंने बातचीत में जब पता चला कि इंटरेस्ट 8% इंटरेस्ट है तो अब अपन क्या कर सकते हैं, तो हमने मुंबई जोन ने प्रदीप भाई ने और भरत भाई ने मिलके कहा कि हम उनको 4% इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे। यानी पहले साल आपको जो 8% इंटरेस्ट है इसमें 4% सीढ़ी मुंबई जोन की तरफ से आपको मिलेगी। इट मीन्स आपको सिर्फ 4% इंटरेस्ट पे मुद्रा लोन एक 1 लाख से 10 लाख तक आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बना के जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट सब भरत भाई और जोत कुमार उनके खुद के ऑफिस में बैठ के डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो मुद्रा लोन मैं यही चाहता हूँ कि सब सभी यहाँ पे जो चैप्टर के चेयरमैन सेक्रेटरी यहाँ पे जो उपस्थित है उनसे मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आपके चैप्टर के अंदर लोगों को कैसे इसमें जोड़े। देखिए हर एक की नीड है, नीड सबकी है, पर अपने में सबसे बड़ी ये चीज होती है कि कोई आगे आते नहीं है और मांगने के लिए थोड़े झिझकते हैं, लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं कि मुद्रा लोन क्या है क्या नहीं है। तो हमने एक कोशिश की है कि जितने भी अपने मंदिर है जिस जिस चैप्टर के अंदर मंदिर आते हैं, मंदिर के बाहर अपन एक पैम्पलेट करके एक लगा, जिस एरिया में आता है जिस चैप्टर में आता है उस चैप्टर के चेयरमैन और सेक्रेटरी के नंबर वहां पे डाल दीजिए, डाल देते हैं। हमने उसमें भी कोशिश की है कि किस तरह हर घर घर तक ये चीज पहुंचाई जाए। मैं सिर्फ बॉम्बे मुंबई जोन और मुंबई की बात नहीं करता हूँ, ये सेम चीज हर जोन हर अलग अलग हमारे 9 जोन है उसमें हर अलग अलग जगह से सेम चीज वो लोग एडॉप्ट कर रहे हैं और उनको भी चालू कर रहे हैं। तो ये सिर्फ बात मुंबई जोन की नहीं रही है, वो हर जगह पे हर जोन में हो जाएगी उसके बाद में। तो मैं यही चाहता हूँ सब जी चेयरमैन और हमारे जितने भी सेक्रेटरी और यहाँ पे जो भी है महिला जितनी भी है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आपका सहयोग चाहिए कि इसको हम कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि जिसको भी जरूरत हो, अगर लेडीज है तो सबसे बेस्ट है उनके लिए बहुत जल्दी हो जाती है, अगर 10 लेडीज मिलके भी आती है तो भी लोन की सुविधा कर सकते हैं। तो हर जगह से हम इसको सक्सेस करने के लिए मतलब हर एक आदमी को कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए उसकी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। नो डाउट है हम तो हमारे प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं उसको घर घर तक लेने जाने का काम चैप्टर के चेयरमैन और सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम का होता है। तो मैं यही उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लास्ट भी हमारी मीटिंग हुई थी उसके पहले भी हर महीने की एक मीटिंग होती है उसमें भी हमने यही डिस्कस किया है कि आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो जोन की ऑफिस तैयार है, भरत भाई रेडी है और अगर और कुछ प्रॉब्लम हो तो जीतो एपेक्स में भी लोग हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं। मुद्रा लोन खास करके इसके लिए है कि लोग लोन ले ज्यादा से ज्यादा और ये लोन प्रधानमंत्री कोष प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत ही आती है। हम तो सिर्फ उसको एक सब्सिडी देके उसको एक प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी जो भी लोन है जो भी चीज है वो आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए है। इसके साथ में बहुत सी स्कीम जुड़ी हुई है जैसे अभी जैन साहब जोत कुमार आपको बताएंगे कि इसके साथ में हमें माइनॉरिटी के अंदर के स्टेटस में भी बेनिफिट क्या ले सकते हैं वो भी काफी अच्छी काफी हद तक स्टडी की हुई है और हमने ये भी चैप्टर चेयरमैन और सेक्रेटरी को सब भेजा हुआ है कि उसको कैसे आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। जैसे माइनॉरिटी स्टेटस के अंदर माइनॉरिटी के बेनिफिट्स के अंदर उसमें भी हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं, एक मुद्रा लोन है फिर माइनॉरिटी स्टेटस है। तो मुंबई जोन कोशिश कर रही है, नो डाउट लॉकडाउन की वजह से हम लोग बहुत पिछड़ रहे हैं कि कहीं पे मिल नहीं सकते हैं कहीं पे जा नहीं सकते हैं और खास करके महाराष्ट्र जो लॉकडाउन अभी हुआ है उसमें से बहुत दिक्कतें आ रही है और आगे अभी भी कुछ भी पता नहीं है कि इसका अंत कब होगा और कैसे होगा। सबसे बड़ी बात है हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा, अब फिर से यही सिचुएशन अगर हो गई तो फिर से अब बड़ी मुश्किल से लोग धीरे धीरे उस चीज को भूल के एक नई पटरी पे आ गए थे कि चलो अब तो नए सिरे से वापस चालू कर देते हैं, बट फिर से लॉकडाउन होने की वजह से
अब सिर्फ महाराष्ट्र में आप देखो 50% कोविड के जो केसेज आते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उसमें 50% तो सिर्फ महाराष्ट्र के ही आ रहे हैं। जी तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम अगर फिर बढ़ गई उसका क्या होगा? तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ सभी चैप्टर चेयरमैन, खास करके महिलाओं को, कि आप लोग इसमें थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए। और किस तरह, क्योंकि अभी भी हमने जब 2 महीने से इसको लॉन्च किया है ममता जी, तो अभी तक सिर्फ हमारे पास 29 एप्लीकेशन ही आई है, और वो 29 एप्लीकेशन में बहुत सी एप्लीकेशन चेन्नई, मतलब अदर स्टेट से आई हुई है। तो अभी तक कोई इतना मतलब इनिशिएटिव लोग नहीं ले रहे हैं कि क्या है उसकी कोई वजह, अभी तक हमें पता नहीं चली है। तो हम इस वेबिनार के थ्रू, आपने जो अच्छा काम किया है कि लोगों तक हम पहुंच सके, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सब महिला लोग मिलके इसको कैसे इनिशिएटिव किया जाए, क्योंकि 4% हम सब्सिडी भी दे रहे हैं, अगर 4% में रुपया मिल रहा है तो लेने में क्या दिक्कत है? और आपको बिजनेस में अगर रुपया है तो ग्रोथ भी आएगी। तो मैं एक बार फिर से सभी चैप्टर के चेयरमैन सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि अगर आपको कुछ भी आपके चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप भरत भाई, जोहित कुमार, मनीष, मुझे, किसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और मुद्रा लोन को मुझे कैसे भी करके इसको घर घर तक पहुंचानी है। अगर आपको चाहिए, आपको आप कोई भी सुझाव हो उसको सक्सेस करने के लिए तो भी वेलकम है। आपके कोई भी क्वेश्चनर है तो उसके आंसर देने के लिए भी तैयार है। पन अपने को चाहिए कि इस मुद्रा लोन को, यही हमारी कोशिश है कि कोई भी जैन कहीं पे भी जाके हाथ न फैलाए। अगर बैंक से हम पैसा दिला सकते हैं तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और जिसको जरूरत है उसको हम उनको कंप्लीट करके देंगे। मैं एक बार फिर से, जितने भी वेबिनार में 100 पार्टिसिपेंट, मुझे लगता है 100 के ऊपर ही लॉक किया है, 100 के ऊपर नहीं जा रहे हैं। हाँ, 100 का ही हाँ है लग रहा है मेरे को। आकाश जी ने कहा था कि 100 से ज्यादा का है, लेकिन नहीं, 100 इसे के 100 पे ऊपर ही रुक नहीं गया है। है। तो मैं यही कहता हूं कि इस वेबिनार के थ्रू आप घर घर तक उसको पहुंचाइए। अगर आपको चाहिए कि मीडिया प्रिंट करनी है, मीडिया में ऐड देनी है, तो हम वो भी देने को तैयार है। जितनी अपने सोशल जो रीजनल न्यूज़पेपर आते हैं उसमें अगर देना है तो उसमें भी देने के लिए हम लोग रेडी है। आप जैसा कहोगे उसको हम उनको करने को तैयार है। बट मेरी सब चैप्टर चेयरमैन, लेडीज विंग्स, यूथ, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस मुद्रा लोन को हमें सक्सेस करना है और घर तक तक पहुंचाना है। हर वही जैसे अपना लोगो है, हर घर जीतो होना चाहिए, घर घर होना चाहिए। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच ममता जी, अब आप आगे का प्रोग्राम चालू। जी थैंक यू आपने बहुत सुंदर तरीके से कोविड से किस तरह से हमें सावधान रहना है, घबराना नहीं है, और अपनी सुरक्षा अपने हाथ, इस बात को बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। और मुद्रा लोन के बारे में भी आपने थोड़ी बहुत जानकारी तो दी, साथ ही साथ ये भी बताया कि हम मुद्रा लोन को कैसे जन जन तक पहुंचा सकते हैं। अभी हमारे बीच में हमारी डायरेक्टर सुमन जी बच्छावत हैं, हमारी वाइस चेयरपर्सन अपेक्स की मिनल जी खोना है। मैं उन दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और क्योंकि उनके पास थोड़ा समय कम है तो मैं चाहती हूँ कि वो शुभकामनाओं के 2 शब्द कह के जाएं। तो सुमन जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपनी शुभकामनाओं के 2 शब्द कहें और फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सभी से सादर जय जिनेन्द्र करती हूँ। जी बॉम्बे जोन के चेयरमैन पृथ्वीराज सा, जोहित जी वाइस चेयरमैन, मनीष जी चीफ सेक्रेटरी, और ममता जी और जितने भी डिग्नेटरीज आज इस प्रोग्राम में उपस्थित है, शर्मिला जी, मीनल जी, सभी सभी से मैं सभी का वेलकम करती हूँ और सभी से सादर जय जिनेन्द्र करती हूँ। और मुंबई जोन जो पृथ्वीराज सा आपकी गाइडेंस में बहुत अच्छा काम कर रहा है, जितने भी 12 चैप्टर है वो सब यूनाइटेड होके जो काम कर रहे हैं आपके विजन से, आपके गाइडेंस से, और आपका जो सपोर्ट है, प्रोटेक्शन है, उनसे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस पैंडेमिक में भी आप लोग सभी इतना शिद्दत और जुनून के साथ काम कर रहे हैं, तो तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, और आज के इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सुमन जी, आप आए बहुत अच्छा लगा। मीनल जी खोना, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 शब्द आशीर्वचन के आप भी कहें। मीनल जी, आप सुन पा रहे हैं? आकाश जी, मुझे लगता है मीनल जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो आइए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मीनल जी को हम फिर से ले लेंगे आगे। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ लॉकडाउन का वातावरण बना हुआ है, चारों तरफ निराशा फैली हुई है, और खास तौर पे जो हमारे व्यापारी वर्ग है वो तो हाथ पे हाथ धर के बैठने जैसी उनकी स्थिति हो गई है।
तो ऐसी नौबत में जब चारों तरफ निराशा या लोग बहुत थोड़ा टूट से गए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दूरदर्शिता, कार्यक्षमता और आत्मविश्वास के बल पर निराशा में भी आशा की लहर जगा देते हैं, आशा की लहर में वातावरण को बदल देने की ताकत रखते हैं। और हमारी जो आज की गेस्ट है, गेस्ट स्पीकर शर्मिला जी ओसवाल, वो कुछ ऐसी ही आयरन लेडी है जिन्हें लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लोगों के लिए कोई नया नाम नहीं है, और खास तौर पे जीटो के लिए तो बहुत फेमिलियर नाम है, वो हमारे परिवार से ही है। और एक बात है कि शर्मिला जी ने ग्रीन एनर्जी फाउंडेशन की स्थापना की है। जब वो ग्रीन ये नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन होता है जो सिर्फ किसानों की मदद करने के लिए बनाया है उन्होंने, जब वो ग्रास रूट लेवल पे उनके साथ काम कर रही थी, हमारे फार्मर के साथ, किसानों के साथ और उनकी महिलाओं के साथ, तो उन्होंने एक बात चेक की कि ये जो हमारे ग्रामीण महिलाएं हैं, जो हमारे किसान हैं, ये प्रोडक्शन करना तो खूब जानते हैं क्योंकि ये बड़े मेहनती होते हैं, लेकिन इन्हें मार्केटिंग करना नहीं आता, अपनी चीजों को कहाँ बेचे, कैसे बेचे। और ये जो आजकल ऑनलाइन बाइंग सेलिंग का सिस्टम आया है, चक्कर आया है, ये इनको बिल्कुल समझ नहीं आता और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाते हैं। तो शर्मिला जी ने जब इस बात को समझा, इस परेशानी को बेसिक लेवल से उन्होंने जाना, क्योंकि जब आप किसी के साथ काम करते हैं, उसी स्तर पे उतर के काम करते हैं, तभी आप उनकी परेशानियों को समझ सकते हैं। और इन्होंने परेशानी को समझा और फेसबुक में इन्होंने तुरंत एक डिजिटल विमेंस वॉरियर नाम का एक पेज बनाया, और जिसमें जितने लोग भी बिजनेस करना चाहते थे उनको जोड़ा, और उनको जोड़ करके उन्हें डिजिटली एजुकेट किया, उनको ट्रेनिंग दी कि किस तरह से हम ऑनलाइन बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। और कई लोगों का इंटरेस्ट उसमें दिखा, लोगों ने बहुत अच्छा उसमें अपना एटीट्यूड दिखाया। शर्मिला जी के मन में एक बात आई कि इसको थोड़ा और इजी बनाते हैं, और डीजी बना करके उन्होंने 10 15 20 ग्रुप इस तरह के बाइंग सेलिंग के चालू किए। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि आज 2 लाख से ज्यादा लोग इस बाइंग सेलिंग ग्रुप में अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, अपने परिवार का पेट भर रहे हैं, और किसी को भी हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई। तो कारण क्या था, अचानक से ये लिटरेट हो गए? नहीं, इनके मन में शर्मिला जी ने एक आत्मविश्वास जगाया कि किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको बड़ी बड़ी डिग्रियों की जरूरत नहीं है, आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए और रिस्क उठाने की ताकत होनी चाहिए, तो फिर देखिए आप इस पूरे गढ़ को, दुनिया को जीत सकते हैं। और यहीं से उनका कारवां शुरू हो गया। तो ऐसे शर्मिला जी जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी पृथ्वीराज जी साहब तो हमेशा यही बोलते हैं, पुकारा जाता है, तो क्यों ना हम उनकी एक 2 मिनट की इंट्रोडक्टरी फिल्म देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हमने एक छोटी सी फिल्म तैयार की है, कृपया आप लोग भी देखिए कि शर्मिला जी हमारे लिए क्या मायने रखती है। और एक 2 मिनट के लिए रुक जाइए। ओके, तब तक मैं शर्मिला जी के बारे में एक बात और बता दूं कि आप यूनाइटेड नेशन काउंसिल में ना सिर्फ पहली महिला मेंबर हैं, बल्कि पहली जैन महिला मेंबर हैं जिन्हें वहां की मेंबरशिप ऑनरेरी यानी उन्होंने इनवाइट करके दी है। तो ये हम पूरे जैन समाज के लिए, पूरे साउथ एशिया में आप पहली जैन महिला हैं, तो बहुत ही गर्व की बात है और हमें इसका फक्र होना चाहिए। और ऐसी महिला का परिचय देने के लिए मुझे चुना गया है जीटो मुंबई जोन की तरफ से, तो करना चाहूं कि आज मुझे ये मौका मिला, ये अवसर मिला कि मुद्रा लोन के जरिए हम कुछ अच्छे कद्दावर लोगों से मिल रहे हैं। लॉन्च रिटेल एज वेल एज इट्स ओन वेबसाइट। द एंटरप्रेन्योर सेज द स्टार्टअप हैज रिकॉर्डेड 50% ग्रोथ इन 6 मंथ्स ऑफ ऑपरेशन। शर्मिला फॉट फॉर हर एजुकेशन एंड स्टडीड बाय सिक्योरिंग स्कॉलरशिप्स बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। शी वेंट ऑन टू सिक्योर स्कॉलरशिप्स टू परस्यू वाटर लीडरशिप प्रोग्राम from the National University of Singapore and earned a position as a water diplomat at Tufts University. She has been working closely with farmers from across the country through her non-profit organization, Green Energy Foundation. Sharmila Oswal appreciated and awarded by Narendra Modi, Prime Minister of India, Ireland Prime Minister
and Canada Prime Minister. Rashtriya Gaurav Puraskar by Governor of Tamil Nadu for Empowering Women of India. When she noted that skilled women lack digital know-how and marketing skills to sell their work and reach a wider audience, she started a Facebook group called Digital Warriors to educate them. As the engagements increased, she started Digi Bazaars by creating WhatsApp groups to connect women entrepreneurs in non-metro cities to share business tips, buy and sell products. Today, it has fostered a connection among more than 2 lakh women. In 2017, Prime Minister Narendra Modi took note of her mission to empower women entrepreneurs and invited her to Delhi to discuss best practices to bolster digital literacy. Sharmila is someone who dons many hats and fully devoted with numerous initiatives undertaken for the upliftment of farmers and tribal communities. For her, failure is not an end. Just keep trying. She never surrenders and always keeps pushing towards the next mark. This is Sharmila Oswal, Iron Lady, the woman entrepreneur, the agropreneur, real daughter of soil, proud Indian. Jai Hind. तो देखा आपने हमारी शर्मिला जी जो पहले बिल्कुल अलग रूप में थी और अब उनका रूप बिल्कुल बदल गया है, उनका व्यक्तित्व बदल गया है। तो ऐसी शर्मिला जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं कि वे आए और अपनी कहानी अपनी ही जुबानी सबके साथ शेयर करें और सभी को मोटिवेट करें कि किस तरह हर कोई इस फील्ड में आ सकता है और आपकी तरह ही लोगों को एम्पावर कर सकता है। शर्मिला जी ओसवाल। Thank you so much, Mamta ji. Thank you. Am I audible? Clearly? Okay. सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वीराज जी सा, जोयत कुमार जी सा, मनीष जी और मुंबई जोन और ममता जी स्पेशली, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और ये मुद्रा लोन यह टॉपिक जो है वो बहुत रेयर है, स्पेशली जैन कम्युनिटी में। एंड जो पृथ्वीराज जी सा ने बताया कि मुद्रा लोन को अभी भी हमारे यहाँ पे इतना इफेक्टिवली नहीं, मतलब एप्लीकेशन आ रहे, तो उसके सबसे मेन इंपॉर्टेंट वजह है कि हमारे ज्यादातर कम्युनिटी में ट्रेडिंग कम्युनिटी है, शॉपकीपर्स है, और मतलब थोड़ा सा ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें थोड़ा सा नॉलेज बहुत कम है, जानने की कोशिश भी नहीं करते। और पहले से हम लोग एक बहुत प्रिविलेज कम्युनिटी रहे हुए हैं, तो हमने कभी भी, भले वो माइनॉरिटी में भी देख लीजिए, अभी भी हम लोग इतने यूजर फ्रेंडली नहीं है माइनॉरिटी ग्रांट्स लेने के लिए। तो सिमिलरली मुद्रा लोन्स में भी हमारे बहुत सारे समाज के लोगों को आज भी मुद्रा लोन के बारे में बहुत जीरो नॉलेज है। और मुझे बहुत खुशी है कि मुंबई जोन ने इस टॉपिक को लिया है, क्योंकि यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है। अगर हर घर में, जैसे हर घर में जीतो हो, हर घर में मुद्रा लोन की यह इन्फॉर्मेशन जानी ही चाहिए। प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं आई है उसमें मुद्रा लोन यह सबसे प्रिविलेज, सबसे आउटस्टैंडिंग योजना है। और उसमें सोने पे सुहागा मुंबई जोन ने किया है, जो कि 4% आपने, आपके पास से आप सब्सिडी दे रहे हैं, मतलब आप इतनी, इतना मुना, आप मतलब एक सहूलियत दे रहे हैं। तो अगर हमारे समाज के लोगों को ये न्यूज या इन्फॉर्मेशन पता चलती है, तो मेरे ख्याल से ये इनके आने वाले जो हार्ड टाइम्स है उनको दूर करने के लिए, या ये जो थोड़ी सी फाइनेंशियल क्राइसिस है या बिजनेसेस अफेक्ट हो गए हैं पैंडेमिक में, आई थिंक ये कोई नई बात नहीं है। और हम सब जानते हैं कि हर परिवार इसमें अफेक्टेड है, वी ऑल आर गोइंग थ्रू वेरी रफ टाइम्स, हार्ड टाइम्स। अब जैसे मैंने कहा कि नॉलेज, अब बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों का, अगर आप इतिहास देखेंगे तो राजा रजवाड़ों से लेके राजस्थान गुजरात की हमारी जो परंपराएं है, तो जैन समाज ये हमेशा एक विकसित रहा है, एक बहुत ही स्वाभिमानी, एक इंडिपेंडेंट, एक अपना व्यक्तिमत्व परसोना, जिसने कभी भी मेरे ख्याल से कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहा, हमेशा खुद के स्वाभिमानी व्यक्तिमत्व पे हमेशा उसकी एक धरोहर रही है। तो ऐसे हालात में आज अभी पैंडेमिक में अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन बहुत खराब है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल ही एक छोटा एक किस्सा हो गया कि दरवाजे पे एक जैन महिला आई कल मेरे, और देखा कि अरे इनको तो मैं मंदिर में रोज देखती हूँ, भाभी जी अपने बच्चे के साथ आई और मैंगो का पेटी लेके आई। तो उन्होंने कहा कि शर्मिला जी मतलब यू नो बहुत अच्छा होगा अगर आप एक दो डजन आम ले लेंगे। तो मैंने कहा आप ये नया काम शुरू किया है क्या आपने? तो उन्होंने शेयर की ये बात कि भाई साहब जो है उनके हस्बैंड, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, और बच्चों के फीस, एजुकेशन। तो ये हर घर की कहानी,
ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग ये ओपनली कर पाते हैं। तो ऐसी महिलाएं जो मतलब आज बाहर आ रही है, काम कर रही है, तो भाई मतलब भाई लोग जो है या हमारे कम्युनिटी के जो भी हमारी समाज की व्यवस्था है, मैं ये कहूंगी कि हमारे घरों के जो हस्बैंड्स है, जो जेंट्स है, वो ये ओपनली बात कर नहीं पा रहे कि दुकान नहीं चल रही है या ट्रेडिंग कम्युनिटी है, ट्रेडिंग में बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं। जैसे पूरा साल चला गया, नए सिरे से शुरू किया, फिर वापस पैंडेमिक आया। अब आप सोचिए कि ये जो लड़ाई है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल की, तो अब अगर आप इसेंशियल सर्विसेज में नहीं आ रहे तो क्या आप भूखे मरेंगे? आपका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। तो जो मुद्रा लोन है, आपका जो टॉपिक है आज का, वो इतना इम्पोर्टेंट है और उससे रिलेटेड कि आपने मुद्रा लोन को अप्लाई करना है या मुद्रा लोन को किस फ्रेमवर्क में अप्लाई करना है, या आपको मुद्रा लोन के लिए जैसे कौन सा बिजनेस इंडस्ट्री या आप क्या कर सकते हैं। आपको हजारों एडवाइसेस मिलते हैं, कंसल्टेंट्स मिलते हैं जो आपको कहेंगे आप ऑनलाइन बिजनेस करिए, अभी ट्रेंड बदल गया है, अब पहले का जमाना नहीं रहा है, बट आप क्या करेंगे? व्हाट आर द न्यू अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज? तो आज मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूंगी, क्योंकि ये मेरे अपने खुद के लाइफ के एक्सपीरियंसेस है और मैं खुद एग्रो में अभी इतना ज्यादा डीपली काम कर रही हूँ। पिछले 20 साल से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से मेरा बहुत ही ज्यादा 25 साल से संबंध रहा है, स्पेशलाइजेशन है एग्रीकल्चर में। एट द सेम टाइम JBN में पिछले मेरे ख्याल से 6 महीनों में कई ऐसे नायाब एग्रो फूड प्रोसेसिंग के प्रोग्राम्स भी किए हैं। तो आज मैं थोड़ा सा आपको कि कौन सी ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, जैसे आपको सबको पता है कि भाई अभी तो हमें ऑनलाइन जाना पड़ेगा, अभी मान लो बहुत सारे ट्रेडर्स जो है, शॉपकीपर्स है, तो उन मान लो वो पढ़े लिखे नहीं है या उनको ऐसे लगता है कि भाई अभी ये हमारे बस की तो बात नहीं है। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि इस पैंडेमिक में शायद हमें सबसे पहले हमारा शॉप हो, ऑफिस हो, बहुत बार हमारी जो दिक्कतें हैं कि ऑफिस के रेंट, अब वापिस पैंडेमिक आ गया, ऑफिस का रेंट अफोर्डेबल नहीं है, बच्चे है, बच्चे पढ़े लिखे है और वाइफ भी है, वाइफ भी पढ़ी लिखी होती है, वाइफ को भी अच्छा खासा प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। ये समय है आपको तीनों को मिलके काम करने का, ये समय है हस्बैंड एंड वाइफ को एक आने का। मैं ये कतई नहीं कहूंगी कि महिलाएं महिलाओं का अलग करे, हस्बैंड हस्बैंड का करे, क्योंकि आज के टाइम में रिसोर्सेज आर वेरी एक्सपेंसिव, रिसोर्सेज इतनी इजिली अवेलेबल भी नहीं है, टैलेंट पूल अवेलेबल भी नहीं, और अवेलेबल है तो क्या वो हम अफोर्ड कर सकते हैं क्या? सो सबसे बड़ा हमारा पहला फ्रेमवर्क है ऑन द ह्यूमन रिसोर्स। नाउ वो ह्यूमन रिसोर्स अगर हमारे घर में ही है, मान लो वाइफ हस्बैंड और बच्चा, ये तीनों, बच्चा अपना इनोवेशन, अपना एजुकेशन, नॉलेज, टैलेंट, ये उसमें जोड़ देता है पप्पा के साथ, और घर में वाइफ है, उसका नेटवर्क है, क्योंकि आज के सारे प्रोडक्ट आप किचन से लेके आप हेल्थ वेलनेस जितनी भी इंडस्ट्रीज में, आपको बताऊंगी कि मुद्रा लोन के लिए आप कौन से प्रोसेसिंग यूनिट्स कर सकते हैं, आप कौन से बिजनेसेस कर सकते हैं विद द वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इवन विदाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बट सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन की जो बात है, अपने घर के जो व्यक्ति है, अपने घर के मेंबर्स को आपको एसेट बनाना है, दे आर यूर फुल टाइम ह्यूमन रिसोर्सेस, क्योंकि ऐसे पैंडेमिक्स न जाने कितने आएंगे और जाएंगे, तो हमें इससे घबराना नहीं है। एंड स्पेशली वी आर फ्रॉम राजस्थान, गुजरात, वी आर द जैन कम्युनिटी जो बहुत स्ट्रांग है, वी आर ऑल वॉरियर्स। सो मैं आज आपको सबसे पहले बताऊंगी कि ऐसी नायाब या ऐसे नए बिजनेसेस क्या है, क्योंकि स्टॉक से थक गए आप, कपड़े, ज्वेलरी, जैसे पैंडेमिक आ गया तो सारा ही अफेक्ट हो गया, अब सारा बट गया इसेंशियल नॉन इसेंशियल में। तो अब आपको पता है गए पैंडेमिक में जन्म हुआ फेस मास्क का, सैनिटाइजर का, ग्लव्स का, पीपीई का, ये सारी इंडस्ट्रीज शुरू हुई। फेस मास्क आप देखिए, फेस मास्क ने पूरे इंडिया में हजारों लाखों करोड़ों बिजनेस जनरेट किए। मतलब एक मेडिसिन, एक मेडिकल में आते हैं फेस मास्क, और दूसरे आते हैं जो महिलाएं घर से कॉटन के कपड़े के, खादी के कपड़े के जो फेस मास्क बनाती है, वो भी अपने मायने में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। तो गए पैंडेमिक में इस बिजनेस की बहुत एक वेव आ गई है ना, फिर पैंडेमिक चला गया तो वापस लगा कि अरे वापस स्लो डाउन हो गया। जैसे आप JBN के सारे ग्रुप्स पे देखेंगे कि फार्मा ग्रुप पे देखिए, आपको पूरा पीपीई किट या सैनिटाइजर या फेस मास्क या आपको एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, इक्विपमेंट्स जो है कोरोना के, इट्स अ ह्यूज ग्रोइंग इंडस्ट्री। बट एट द सेम टाइम
अगर वो वेव भी आई है तो लेट मी टेल यू, इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट, मोर देन दैट आवर नेबरिंग कंट्रीज बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, यू नो ऑल दीज अवर नेबरिंग कंट्रीज आर इन ऑलवेज फुल डिमांड फॉर ऑल दी मेडिकल इक्विपमेंट्स, इंक्लूडिंग इन फैक्ट वी हैव अ मेडिकल टूरिज्म विच इज द लार्जेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री. इसमें छोटे छोटे, मतलब ये तो मैंने चार पांच नाम बताए, मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री इज अनलिमिटेड ह्यूज. उसमें आप इवन अभी जैसे देखिए कि जरूरी नहीं कि आप खाली मेडिकल इक्विपमेंट्स में जाए, आप फॉर एग्जाम्पल उससे रिलेटेड आयुर्वेदा, अब आप देखिए पूरे इंडिया में जी तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, शतावरी, द प्रोडक्शन, इनका जो प्रोडक्शन है वो सबसे हाईएस्ट है. तुलसी रहता ही नहीं है मार्केट में. अगर आप रेट देखेंगे, पहले तुलसी 15-20 रुपए, 30-40 रुपए की तुलसी आज आसमान छूने लग गई है. मिलेगी भी नहीं क्योंकि काढ़ा में इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे या कफ सिरप के इसमें या पूरे कोरोना के ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग में है. तो आप देखिए ये जो पैरा जिसको कहेंगे हम अलाइड, यू नो रेवेन्यूज, वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट इनफ. मेडिकल, फार्मा, हेल्थ, वेलनेस, ये इंडस्ट्रीज आज के तारीख में सबसे बड़ी सनशाइन इंडस्ट्रीज है. नाउ सनशाइन इंडस्ट्रीज, व्हाई आई एम कॉलिंग इट सनशाइन, जिसे हमारे गुरुवर्य महाराज साहब कितने लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि अभी पैंडेमिक्स, भगवान महावीर स्वामी ने तक ये प्रेडिक्शन किए कि पंचमारा में हम ये सब फेस करते रहेंगे, यह जो हम आज जो दौर से गुजर रहे हैं. तो हमें इसके लिए पूरा अभी तैयार होना है. हमारे कर्म, जिसको कहेंगे हम कोरोना नहीं, ये कर्म का कांड है क्योंकि बहुत कुछ कर लिया हमने. अब क्लाइमेट चेंज देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग देख लीजिए, या जिस तरह से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ये क्या है? आज हम इतने सारी धूप में, अगर हम बारिश आ रही है तो रीजन क्या है? अब भी हाल ही में आई वॉज इन मेघालय, मेघालय चेरापूंजी जो हाईएस्ट रेनफॉल माना जाता है, वहां पे एक पानी का बूंद तक नहीं है. दिस इज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग, इतनी ज्यादा हीट 50 डिग्री टेम्परेचर तक चला गया है. टेम्परेचर 1-2 डिग्री ईयर में बढ़ गया है, पर्टिकुलरली भारत का, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा है. तो इस डिफॉरेस्टेशन, पानी, पानी का अपव्यय मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हम लोगों ने किया है और शायद इसी दौर से हम इसी वजह से भी गुजर रहे हैं. तो पहले इंडस्ट्री जैसे मैंने बताई कि हेल्थ एंड वेलनेस, मैं कहूंगी कि जो भी यहाँ पे शॉपकीपर्स है, ट्रेडर्स है, इवन जो चाहते हैं डाइवर्सिफाइड बिजनेस, तो ये इस बात को जरूर नोट करें कि थोड़ा मार्केट रिसर्च, आपको मार्केट रिसर्च करना है. ऐसा नहीं कि सब मेरा फ्रेंड कर रहा है या मेरा बाजू वाला कर रहा है या पड़ोसी कर रहा है, उसको लाखों का मुनाफा हो रहा है तो मैं भी उसमें कूद पड़ू, ये बिल्कुल नहीं करना है. आपकी अपनी प्रतिभाएं अलग है, आपके घर में आपकी वाइफ का आपको बैकग्राउंड मालूम है. मान लो वो पढ़ी लिखी नहीं है, मैं आपको बताऊं वो सबसे बड़ी अच्छी मैनेजर है, शी इज द बेस्ट मार्केटिंग पर्सन, शी इज द बेस्ट सेल्स पर्सन. आज की तारीख में आप लाखों रुपया दे के भी आपको एक अच्छा सेल्स पर्सन नहीं मिल सकता है, ट्रस्ट मी. आपकी अपनी वाइफ, आपकी बहन, आपके घर में जो भी है, यहाँ तक की दादी माँ, ये जो वेल्थ, हेल्थ, वेलनेस, ये जो इंडस्ट्री में बता रही हूँ आयुर्वेदा से रिलेटेड, इट इज नथिंग बट दादी माँ के नुक्से. हम कोई नया रॉकेट साइंस नहीं बना रहे, हम कोई चंद्रमा पे नहीं जा रहे, ये हमारे पूर्वजों ने हमें दिया हुआ है. इस पैंडेमिक ने इस खोज को वापस, इन्वेंशन को सामने लाया है कि भैया ये तो हमारा पुराना है दिया हुआ, जिसे हमें नए सिरे से, इन्वेंटिंग द न्यू वेल मीन्स री इन्वेंटिंग अवर सेल्फ, खुद को डिस्कवर करना है. हमने पिछले पैंडेमिक में बहुत सारा टाइम दिया, बहुत सारा वेबिनार्स किए, सेमिनार्स किए, पर क्या हो गया, इतना सारा वेबिनार्स हो गया कि आई थिंक वापिस कमिंग बैक टू द जीरो, कि यू नो लाइक समटाइम्स टू मच इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो डेंजरस, यू नो. सो हेल्थ वेलनेस इंडस्ट्री इज एब्सोल्युटली ग्रोइंग इन अबंडेंस. इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी वैरायटी है. आप इसमें प्रोसेसिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके इवन रीसेलिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूटर, डीलरशिप, आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है यहाँ पे बहुत सारा, मैं नहीं कहूंगी कि आप बहुत करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करें. हाँ, अगर कोई है जिसके पास अच्छा खासा तगड़ा इन्वेस्टमेंट है तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट. इंडिया हैज गिवन 2 बिलियन क्रेडिट लाइन टू घाना. घाना, नमीबिया, ये जो कंट्रीज है, दे आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर एग्रीकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स. आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका से जो नमीबिया रोड जाता है, यू नो इट्स अ वेरी फुल्ली, मतलब जिसको कहेंगे कि बिजनेस पोटेंशियल हिसाब से मैं ये बात कर रही हूँ, कि वहां पे ना एक ट्रक पोर्ट बन रहा है, यू नो पूरे इस रीजन में ट्रक पोर्ट्स बन रहे हैं. नाउ दिस ट्रक पोर्ट्स आर fully equipped with, you know, salon, the, all the food, restaurants, washing, all the kinds of services on highway.
नाउ दीज ट्रक पोर्ट्स आर सीकिंग स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स. अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक टाइम था 400-500 साल पहले जब हमारे दादाजी राजस्थान से माइग्रेट हुए थे, कोई बॉम्बे गया, पुणे गया, चेन्नई गया, बैंगलोर गया. नाउ वापिस वो टाइम आया है. हमें अब इतना सैचुरेशन हो गया है कि बहुत बार हम अपने उस यू नो फ्रेमवर्क से या हम अपने उस शेल से बाहर ही नहीं निकलना चाहते. बॉम्बे वाला बॉम्बे से बाहर नहीं निकलना चाहता, पूना वाला पूना से नहीं निकलना चाहता, दिल्ली वाला दिल्ली से नहीं निकलना चाहता. हर एक अपने अपने कंफर्ट जोन में इतने कंफर्टेबली काम करना चाहते हैं. बिजनेस ऐसे नहीं है ना भाई. लक्ष्मी जी जो है, अब लक्ष्मी जी भी ग्लोबल हो गई है. लक्ष्मी जी खाली ऐसा नहीं कि भारत की इस पुण्य धरा पे ही मिलेगी आपको. लक्ष्मी जी को हंट करने के लिए हमें सात समुंदर पार भी, जैसे हम राजस्थान से यहाँ आए हैं तो अब थोड़ा हमें वापिस अपने दिमाग को, हमारे सोचने के जज्बे को हमें बदलना पड़ेगा. अफ्रीका इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. नॉट नेसेसरी कि आप 2 million, 10 million यू नो आप इन्वेस्टमेंट करें. आप देखेंगे जब बाकू गए थे हम लोग, बाकू में इनफैक्ट मेरे साथ उत्तम भाई शाह नियॉन लैबोरेटरीज एंड अनादर चेन्नई के हमारे एक भाई थे जिनको मैं वहां के प्रेसिडेंट से हम मिले थे, अजहर भाई जान के. दे आर गिविंग फुल ऑफ सब्सिडी, 60-80% सब्सिडी इफ यू आर फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री, इफ यू आर फ्रॉम एग्रो इंडस्ट्री, इफ यू आर फ्रॉम यू नो देर आर 10-15 कैटेगरीज फॉर अजहर भाई जान, फॉर बाकू, फॉर जॉर्जिया. दे आर द ऑल वेरी वेरी वर्जिन आइसोलेटेड कंट्रीज हु आर सीकिंग वेरी स्मॉल टाइम इन्वेस्टमेंट. 1-2 crore या 50 lakh से लेके, अगर आप 50 lakh का इन्वेस्टमेंट भी अगर प्लान करते हो तो आपको 80% अगर गवर्नमेंट देती है. एंड यू नो आई मीन इट इज यहाँ पे भी बहुत सारे इनफैक्ट थ्रू द हाई कमीशंस, थ्रू द कंसुलेट जनरल्स, देर आर वेरी ट्रेड कमीशंस आर देयर, देर आर ट्रेड मिशंस टाइम टू टाइम, दे हैव लॉट ऑफ मीटिंग्स ऑन देम. FIO इज गिविंग लॉट ऑफ गाइडेंस ऑन दिस. सो वी नीड टू टेक लिवरेज ऑन दिस. नाउ मुद्रा लोन को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. मेरे बाद जो भाई आने वाले हैं वो आपको बताने वाले हैं कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द मुद्रा लोन. नाउ ये जो मैंने हेल्थ वेलनेस इंडस्ट्री बताया, एज आई सेड दैट इट इज अनलिमिटेड. अब मैं आपको बताऊँ, आचार्य विद्यासागर जी के एक स्टेटमेंट से और उनके विजन से मैं बहुत प्रेरित हुई हूँ, रही हूँ. वो है हथकरघा मिशन. नाउ हथकरघा इज वॉट आपने मतलब अगेन आई एम वेरी प्राउड टू से दैट you know like Bhilwara and apne Bhiwandi, I think Bhiwandi was once upon a time, even Mumbai was a, I mean a miller, you know where all handlooms were there. Now Maharaj sahab ji ki ek ichha hai ki India ke jitne bhi artisans hai unko employment diya jaye, hamare sadharmik bhai behno ko employment diya jaye. Now I want to share with you here that we have come up with this Hathkarga model all around India. We have designed, we have hand-crafted beautiful face masks, clothing, in fact, lot of other things. So in a small way, started exporting also. Here, it's not only for women. I will not say it is a Griha Udyog. In fact, today, in my session, I'm not going to talk only about Griha Udyog or maybe not limited to Griha Udyog, but I really want to cover here for all the shopkeepers and traders, especially, jinki choti dukane hai, business chota hai, maybe 10 lakhs, 20 lakhs, 50 lakhs ka aapka turnover hai. और अभी लॉकडाउन में पूरा अफेक्टेड हो गया है, तो व्हाट आर दी अदर रेवेन्यूज. नाउ आपको मैं बताऊं, फैब इंडिया, फैब इंडिया इज व्हाट, फैब इंडिया का सारा रेवेन्यू बाहर जा रहा है. हु इज फैब इंडिया? अगेन द आउटसाइडर. सो हथकरघा, व्हाट इज हथकरघा? इट्स ऑल अबाउट द प्योर खादी, इट इज ऑल हैंडमेड. जो ये मैं पहनी हुई हूँ, इट इज हथकरघा. सो तिहाड़ जेल में आपको हथकरघा, जो जेल के ये महाराज साहब ने जो विजन दिया है, सागर के जेल में मिलेगा. यहाँ पे आई एम इंट्रोड्यूसिंग इन टू येरौड़ा जेल. हमारी ये मिशन है कि हम पूरे इंडिया में लोगों को ट्रेन करें. हम चाहते हैं शॉपकीपर्स जो टेक्सटाइल से है, जो रिलेवेंट इंडस्ट्री से है, हैंडलूम से है, प्लीज कम जॉइन हैंड विद अस इन दिस मिशन एंड वी आर ऑल हियर. यू नो व्हाट, एक आदमी से कुछ नहीं होने वाला है. इट इज नॉट वन पर्सन मिशन, इट हैज टू बी इन अ जॉइंट कोलैबोरेशन. हथकरघा वी आर कन्वर्टिंग इट इन टू द अनदर फैब इंडिया ऑफ दिस कंट्री एंड वी आर डूइंग इट फिनोमिनली वेल. वी आर डूइंग अ वेरी ग्रेट यू नो ट्रेन्स इन इट. अपकमिंग जैना we are doing the Hathkarghar fashion show event in Jaina itself, which is again America and Europe and all worlds, the best event. So, if you are from textile industry, se hai, saturation has come, so you are most welcome and you are, I think we would be always available for that to give guidelines on Hathkarghar industry, handlooms and even like haath se bani hui saadiya le lo, shawls le lo. कितनी सारी चीज है, पटोला से लेको राजस्थान देख लो, हर एक का हमारे पास एक धरोहर है, इतिहास है. नाउ कमिंग टू द एग्रो इंडस्ट्री, दैट इज माय ऑल टाइम फेवरेट यू नो सब्जेक्ट. इनफैक्ट लास्ट 6 months लाइक वी हैव स्टार्टेड एंड वी हैव कम अप विद दिस यू नो डिसरप्शन टू द ऑर्गेनिक सेक्टर. आई वुड लाइक टू शेयर हियर दैट
आप अगर यू नो विद द वेरी लिमिटेड और मुद्रा लोन के साथ, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि मुद्रा लोन के साथ आप कौन से ऐसे फूड प्रोसेसिंग, कौन से ऐसे यू नो यूनिट्स या इंडस्ट्री में आप जा सकते हो. सेम रिलेवेंट टू हथकरघा, जूट आज की तारीख में कॉरपोरेट इंडस्ट्री का या हॉट सेलिंग. आप बॉम्बे स्टोर्स में चले जाइए, फैब इंडिया में जाइए, या कोई भी यू नो लाइक अपट्रेंड इंडस्ट्री में जाइए, जूट प्रोसेसिंग, जूट मिल, जूट का एक जो प्रोडक्ट्स है, दे आर इन अ वेरी डिफरेंट रेंजेस. दे थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिए, पैंडेमिक्स आज है कल नहीं रहेगा. यू नो हर रात की एक सुबह होती है, हर रात का एक सूरज भी होता है. सो दीज आर दी ऑल प्रोसेसिंग वेयर आपको बहुत इजीली मुद्रा लोन मिल जाएगा. एंड दीज आर ऑल दी यू नो इंडस्ट्रीज विच आर बीन एनकरेज्ड, एनहांस्ड, प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देन मैं आपको एक एग्जाम्पल, जैसे जूट बताया, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द नूडल्स. नूडल्स जैसे मैगी कितना पॉपुलर है. आप लद्दाख में जाइए, आप मेघालय में जाइए, नाउ डेज यूथ आर ऑल यू नो लाइक वेरी मच प्रोवोक्ड बाय द मैगी नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स, चीज नूडल्स. बट हियर आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल, कि हमने मैगी जैसा मैदे का नूडल, मैगी ने वीट भी इंट्रोड्यूस किया है, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ टैबूज. हम जैन है, हाइजीन इज हमारा पक्का ये है कि हम आई थिंक वी आर नोन फॉर हाइजीन, यू नो. सो नूडल्स में, वीट में, मिलेट्स, देखिए मिलेट्स ये हमारी धरोहर है. व्हाट इज मिलेट्स? मिलेट्स इज ज्वार, बाजरा, नाचनी, रागी, ये जो फॉक्सटेल, बार्नियार्ड, यू नो बार्नियार्ड और फॉक्सटेल को ये हम लोग राजगीरा कहते हैं, राजगीरा की चिक्की खाते हैं ना हम लोग. सो ये जो सारे अनाज है, ये अनाज के नूडल्स अगर बनाए जाए, यू नो, तो आपको बताऊं मैं, हेल्थ इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री, इम्यूनिटी आपके लिए सबसे अगर हॉट सेलिंग आइटम रहेगा. एंड दिस इज समथिंग वेरी निश. आप सबकी तरह नूडल नहीं बना रहे हो. अभी आप देखिए एयरपोर्ट पे भी जाएंगे तो आप मैगी का डब्बा लेके खाते हो, विच इज मोस्ट अनहेल्दी बिकॉज वो तले हुए है, फ्राइड है. एंड यू नो बीच में कॉन्ट्रोवर्सी भी आई थी कि इट हैड लेड ऑल्सो. सो वाई कांट लाइक दोज हु आर यू नो विद द वेरी मिनिमम, मतलब बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर द नूडल्स, नूडल्स मेकिंग. Now I'll give you another example. Rice bran oil. Have you heard of rice bran oil? You have heard of. Now in fact, sari dietitians kehti hai rice bran oil khaiye. Rice bran oil with the minimum investment. What is rice bran? आप देखेंगे rice का जो processing होता है उसके ऊपर एक tus रहता है, like जो एक surrounding रहता है ना, वो निकलता है, उसको bran कहते हैं. Now उस bran को, उस ब्रांड का प्रोसेसिंग करके जो ऑयल होता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज राइस ब्रान ऑयल. आपको मुद्रा लोन लेना है, राइस ब्रान ऑयल का एक प्रोसेसिंग यूनिट आप डालिए, आप दिखाइए, और वो आप, इनफैक्ट आपको तो पता है ये तो बहुत हैपनिंग सा है. आज के तारीख में बहुत सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं राइस ब्रान ऑयल को, यू नो. देन सोया सॉस, आपको पता है टोमेटो सॉस, सारे चिली सॉस सब बहुत पॉपुलर है. सोया सॉस इज गेटिंग पॉपुलर बिकॉज ऑफ दी health reasons, you know. So aaj ki tarikh mein industries has to be with that element of health. Health is most important because aaj ki tarikh mein pandemic mein aap dekhiye koi bhi bande log shopping mein bhi mujhe lag raha hai jo zaruri ka hai wahi lete hain aur sabse healthy lete hain. Koi bhi mere khayal se is mamle mein compromise up nahi kar raha hai. Then coming to the another industry, spice grinding. अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कोल्हापुर के पास में दो गांव है, बस्तवाड़ और नीलेवाड़ी, जो यू नो आई हैव अडॉप्टेड. वहां पे हमने मशीनें लगवाई है, जैसे हल्दी से हल्दी पाउडर, मिर्ची से मिर्ची पाउडर. सो ये जो सारे स्पाइस के ग्राइंडिंग करके, इसकी बहुत बड़ी तगड़ी मार्केट है इफ द स्पाइसेस आर ऑफ नॉट एनी एडल्ट्रेशन. क्योंकि आपको पता है लाल मिर्च पाउडर जो बाजार में मिलती है, इट इज फुल ऑफ एडल्ट्रेशन, फुल ऑफ. किसी भी महिलाओं को भी ये बात पता नहीं होती है. मिर्च आती कहाँ से है? गंटूर से आती है, बैडगी से आती है, कश्मीर से आती है. देर आर टू डिफरेंट वराइटीज. वन इज वेरी स्पाइसी दैट कम्स फ्रॉम द साउथ, दैट इज गंटूर, बैडगी, एंड देन द कश्मीर विच इज द माइल्ड स्पाइस. ओके, नाउ हियर वी आर द अगेन ट्रेडिंग कम्युनिटी. कश्मीरी चिली को ले लो या साउथ इंडिया की चिली ले लो, इफ यू आर प्रोवाइडिंग एंड इफ यू आर ग्राइंडिंग, एंड दिस ग्राइंडिंग मशीन की ज्यादा कीमत नहीं है. यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट रही है इन दिस बस्तवाड़ एंड नीलेवाड़ी, 22,000 का मशीन में, इनफैक्ट बिस्किट मेकिंग भी हमने शुरू किया है वहां पे. आपको मैं बताऊं, जब कोल्हापुर में बाढ़ आई, आई ऑलवेज बिलीव इन नॉट गिविंग मनी कैश इन हैंड, तो वहां पे मशीनें लगवाई कि 22,000 की जो मशीन है उसमें कुकीज. अब मैं आपको बताऊं कि बिस्किट्स,
आई वुड नॉट एनकरेज ऑन मेकिंग बिस्किट्स मैदे का, कहीं पे भी मैं एक भी इंडस्ट्री आई डोंट एनकरेज, आई डोंट इवन टेल एनीवन कि आप कोई भी मैदा वापरो या शक्कर वापरो. सो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, लाइक अभी जैसे मैंने ये स्पाइस ग्राइंडिंग की मशीन बताई, प्रोसेसिंग यूनिट, मुद्रा लोन, परफेक्ट मैच. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको लाल आपको तिलक लगाएगी और हार भी पहनाएगी, क्योंकि दीज आर ऑल वेरी मच एनकरेजिंग इंडस्ट्री इन अ जिसको कहते हैं कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सो कुटीर उद्योग और मुद्रा लोन, इसका जो समन्वय है वो बहुत ब्यूटीफुल है. सो स्पाइस ग्राइंडिंग में ये सारी जो वराइटीज बताई, जिसमें मैंने एक और बिस्किट मेकिंग. नाउ बिस्किट मेकिंग में खबरदार आपने कोई मैदे की बिस्किट बनाई, देखिए हम सारे पैंडेमिक से गुजर रहे, हेल्थ इज अ बिग इशू, तो हमने किसके बिस्किट्स बनाने, हमने ओट्स के बिस्किट बनाने, हमने किनोवा के बिस्किट्स बनाने, हमने बाजरी के बनाने, नाचनी के बनाने, कैल्शियम इन एबंडेंस, फाइबर इन एबंडेंस. आपको पता है एड जो आती है, एक आईटीसी की एड आती है, आईटीसी आटे की, वो बच्चा टॉयलेट में जाता है, मम्मी पापा बाहर रहते हैं, मम्मी ऐसे टेंशन में रहती है कि बच्चा कब आके बोले मेरा पॉटी हो गया, एंड लाइक थर्ड टाइम, दो टाइम वो बोलता है नहीं हुआ नहीं हुआ, कैसे आएगा, लाइफ इज ऑल अबाउट पिज्जा पास्ता बिस्किट्स, सो कैसे आएगा, फाइबर ही नहीं है ना फूड में. सो थर्ड टाइम वो जब आता है तो बोलता है हाँ हो गया, तो हो गया तो वॉट वॉज द एड, क्योंकि वो आईटीसी का आशीर्वाद आटा खाता है, राइट. सो हियर द क्रक्स इज कि आपको प्रोसेसिंग यूनिट जो करना है, आप बिस्किट्स में अगर आप रागी, एंड अगेन हियर नाउ नो प्रिजर्वेटिव्स, नो सिंथेटिक्स. आई नो दैट वेन वी वॉन्ट टू ये प्रिजर्वेटिव ज्यादा से ज्यादा क्यों डलते हैं, सिंथेटिक्स फ्लेवर्स क्यों डलते हैं, शेल्फ लाइफ जो बढ़ानी है, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए सॉसेस ये जितने भी बनते हैं, पर्टिकुलरली जैन कम्युनिटी, आई रियली वांट टू टेल यू ऑल, स्पेशली इफ विमेन आर हियर, सॉस टोमेटो सॉस बाहर के हमने अवॉइड करनी चाहिए. इनफैक्ट अगर महिलाएं हैं तो ये गृह उद्योग बहुत अच्छा बन सकता है, एंड जैन कम्युनिटी शुड एक्ट लाइक अ ब्लू जोन. जापान में जो एक इकीगाई है, कम्युनिटी, वो 115-120 साल तक रहती है, एंड वेरी क्लीन लाइफ, हाइजेनिक लाइफ. क्यों? क्योंकि गुड फूड, क्लीन फूड, हाइजेनिक फूड. सो जैन कम्युनिटी इज ऑल्सो नोन फॉर वी कैन हैव अवर ओन इकीगाई, क्रिएटिंग अवर ओन ब्लू जोन. हमारी अपनी महिलाएं अगर क्रिएट करती है सॉस, हम बाहर का क्यों लेंगे, क्योंकि हमें पता है वहां पे जैना की गई है, हाइजीन से वो चीज बनाई गई है. अब स्पाइस ग्राइंडिंग, और मैंने बिस्किट जो आपको बनाने के लिए कहे कि आप ये ओट्स के बनाओ, किनवा के बनाओ, रागी के बनाओ, राजगीरा के बनाओ. सो इससे क्या होगा कि अभी इसके बाद अलाइड नेक्स्ट इंडस्ट्री जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है डायबिटिक फूड. एवरी होम ऑफ इंडिया इज हैविंग वन डायबिटिक, इजंट इट? सो हर घर में अगर आप रेशियो देखेंगे कि डायबिटीज पेशेंट्स का रेशियो इतना हाईएस्ट है इंडिया का, इट इज द हाईएस्ट इंडस्ट्री, मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग ऑल्सो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप एक डायबिटीज पेशेंट को सर्व कर रहे हैं उसका एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए. सॉरी, हेलो, हाँ जी, आप कंटिन्यू कीजिए आपका. यस, क्लियर क्लियर. कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, एनीथिंग? ओके, नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए. ओके, सो आई एम कमिंग बैक दैट डायबिटिक फूड इज अ फिनोमिनल इंडस्ट्री. आज मैं आपको इससे अलाइड हजारों चीजें हैं, एंड मुद्रा लोन और इसका इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है कि डायबिटिक फूड में जैसे मैंने आपको बिस्किट्स बताए, रागी बिस्किट्स, ओट्स बिस्किट्स इज द ब्यूटीफुल थिंग बिकॉज द लोएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स. बिकॉज अगर डायबिटिक है, आपको मान लो राइस भी नहीं खाना है, तो नाउ राइस नहीं खाना है तो ब्लैक राइस और मे बी रेड राइस और मे बी द राइस विद द ब्राइन और मे बी हाथ सड़ी का राइस जो कि हैंड पाउंडेड राइस. तो ये सारी चीजें अगर कॉम्बिनेशन करनी है तो दीज आर दी ऑल प्रोसेसिंग यूनिट्स which you can very well beautifully applied for mudra loan. आप mudra loan में खाली उठ के जाके mudra loan चाहिए, that doesn't make any sense. या अपने जो एक traditional businesses है, कपड़े का हो गया, कुर्ती हो गया, ज्वेलरी हो गया, वो इतना common हो गया कि सामने वाला bank भी सोचता है भैया competition भी इतनी है, तो आपके पास कुछ तो ऐसा हो, कुटीर उद्योग जिसको भारत सरकार खुद प्रमाणित कर रही है, जिसको encourage कर रही है. Then I will tell you another industry is drying of tropical fruits. आप देखेंगे बहुत सारे काजू दिस ड्राई फ्रूट्स के शॉप में, या आप लोगों के घर में जाते हैं दिवाली में, या बच्चों को स्पेशली ये जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं, पाइनएप्पल, क्रैनबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ये ड्राइड फॉर्मेट में मिलती है. नाउ ये जो ड्राइड फॉर्मेट में मिलती है,
इसका एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है. क्रैनबेरीज आर सो एक्सपेंसिव, आप देख लीजिए. एंड दैट इज एक्सपेंसिव मतलब क्या, इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग. नाउ अगेन इट इज विद अ नॉट दैट वेरी हाई इन्वेस्टमेंट, इट्स अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट, मतलब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ज्यादा नहीं है. तो आपके जो ये प्रोसेसिंग यूनिट्स की मुद्रा लोन के लिए आपको रिलेवेंट इंडस्ट्री क्या चाहिए. नाउ अगेन आप सारे अगर राजस्थान से गुजरात से आपने वर्ड सुना होगा खांसरी, ठीक है. अब शुगर में, शुगर जो होती है व्हाइट शुगर, ये जहर है. जैसे मैदा जहर है, शुगर भी जहर है. तो हम तो प्रिविलेज्ड है, हम सबको पता है खांसरी. आई टेल यू इन रीसेंट टाइम्स खांसरी हैज गेन द फिनोमिनल सिग्निफिकेंट वैल्यू इन द डे टू डे यू नो द फूड. तो खांसरी जो है, खांसरी का भी प्रोसेसिंग यूनिट एंड देयर इज, अगर आप बड़े बड़े यू नो वेलनेस शॉप्स में देखेंगे, आप जो न्यूट्रिशनिस्ट ल्यूक क्यूटिनो का ब्रांड ले लीजिए या आप कोई भी ऐसा लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट देखिए, दे रियल यू नो द प्रोडक्ट इज इन डिमांड इज खांसरी. आप खांसरी में स्पेशलाइज कर लीजिए. धामपुर का जो खांसरी आता है, इंडिया में आज के तारीख में सिर्फ 5 or 6 खांसरी के प्रोसेसिंग वेरी नोन इंडस्ट्री जो चलती है, जिसमें से एक है धामपुर फ्रॉम यूपी, यू नो. सो खांसरी प्रोसेसिंग इज अगेन अनदर वेरी यू नो लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री जो आप सोच सकते हैं. जैसे मैंने आपको राइस ब्रान ऑयल बताया, आई टेल यू समथिंग अलाइड टू दैट. अब बहुत सारे डायबिटीज लोग हैं, इवन वजन कम करना चाहते हैं, शुगर नहीं खाना चाहते, तो वो क्या करते हैं, स्वीटनर्स लेते हैं. स्वीटनर इज अगेन अ वेरी बिग इंडस्ट्री. नाउ स्वीटनर, इनफैक्ट आई डोंट एनकरेज फॉर दिस स्वीटनर्स जो बाजार में मिलती है, आप जो खाते हैं ना, वो सबसे बेकार है. फ्रुक्टोज माल्टोज एंड जो भी उसकी जो केमिस्ट्री है वो हमारे लिए जहरीली है. तो एज अ जिसको, क्योंकि हम जैन है तो आई ऑलवेज फील हमने अच्छा काम करना चाहिए. तो राइस का सिरप, जैसे मेपल सिरप बनता है, मेपल सिरप बहुत एक्सपेंसिव होता है, सिमिलरली राइस सिरप बनता है. ब्राउन राइस जो होता है, लाल राइस, मतलब यू नो जैसे आप कोंकण में वगैरह देखेंगे, कुमुनादी गुजरात का भी जो राइस है, लाल जो हैंड पाउंडेड राइस है, उससे जो राइस सिरप बनता है, इट हैज द बेस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ शुगर, यू नो, और जो हमारे लिए मतलब हानिकारक नहीं है, विच इज वेरी बेटर. सो अगेन यू आर सर्विंग डायबिटिक इंडस्ट्री, यू आर सर्विंग वेट लॉस इंडस्ट्री, यू आर सर्विंग कोलेस्टेरॉल, यू आर सर्विंग ऑल दीज इंडस्ट्रीज. सो इमेजिन आपका जो पोटेंशियल क्लाइंट है, कस्टमर है, इट्स फ्रॉम द वेरिड सेगमेंट्स, यू नो. सो विद दैट राइस ब्रान, आपको राइस के साथ ही देख लीजिए कितनी सारी इंडस्ट्रीज अलाइड है उसके साथ. डायबिटिक फूड जैसे मैंने बताया, उसके साथ ये भी एक पैरेलल इनकम सोर्स, रेवेन्यू सोर्स, अगर वो प्रोसेसिंग यूनिट आप अगर करते हैं. आई विल गिव यू अनदर वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री. जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि मेडिसिनल हर्ब्स अब इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए फार्मा इंडस्ट्री में, अश्वगंधा, गिलोय, शतावरी. अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे घर की, हर घर की जो रोज की एक चीज है, जो आपको बहुत मतलब उसकी खुशबू से पोहे महक जाते हैं, उसकी खुशबू से दाल महक जाती है, वो क्या है, कड़ी पत्ता, यू नो. नाउ इसेंशियल ऑयल्स आपने नाम सुना होगा, यू नो. नाउ इसेंशियल ऑयल्स अगेन इज अ वेरी हैपनिंग इंडस्ट्री. आप किसी बॉडी शॉप्स में देखेंगे, कहीं पे भी देखेंगे, तो इसेंशियल ऑयल्स आर वेरी एक्सपेंसिव. नाउ अब मुझे तो यह है कि आपको कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं बताना है, या आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू एनी थिंग विच इज यू नो लाइक कॉस्टिंग यू अ बॉम्ब. सो हियर वॉट यू कैन डू एट द वेरी मिनिमम और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट. सो करी लीफ जो है, कड़ी पत्ता इज यू नो नोन इन अरोमा इंडस्ट्री और एज एन इसेंशियल ऑयल, वेरी हॉट सेलिंग आइटम. इफ यू गो इन अ बॉडी शॉप, इफ यू गो इन अ वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, यू सी इट्स प्रॉपर्टीज, एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, यू नो, एंड सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी. करी पत्ता गिव्स यू अमेजिंग सिग्निफिकेंट मेडिसिनल वैल्यूज एंड प्रॉपर्टीज टू योर यू नो लाइफ एंड टू योर बॉडी. सो करी लीफ का इसेंशियल ऑयल इज अगेन अनदर वेरी हैपनिंग इंडस्ट्री. आई हैव शेयर्ड मेनी इंडस्ट्रीज ऑफ द फूड प्रोसेसिंग. सेम थिंग अगर आप बॉम्बे में है, पुणे में है, दिल्ली में है, लेट मी टेल यू, रिसेंटली वी हैड अ मीटिंग विद मिस्टर महिंद्रा एंड even Infosys also, that they are all looking for land. Now we are coming up, you know, and we are in fact looking for the partners, and we want that people to come forward, urban farming. अभी देखिए हमारे घरों में जो सब्जियां खाते हैं, आज हर तीसरे चौथे घर में कैंसर है, यू नो, हर जगह थायराइड है. द रीजन वाई थायराइड, इट इज ऑल हॉर्मोनल इश्यूज, राइट. आपके सबके, जैसे कैंसर मैंने बताया, पंजाब से देखिए दिन की चार, पहले एक ट्रेन जाती थी, अब चार ट्रेन है, क्योंकि जहर
मिट्टी में इतना जहर भर दिया है तो अब सब जगह कैंसर तो होना ही है। सो इस सारे हालात में अर्बन फार्म इज अ वेरी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट। मुद्रा लोन लेना है, मुद्रा लोन के साथ बॉम्बे के आसपास के अगर आप है, मुंबई जोन का प्रोग्राम है, आई एम श्योर सारे मुंबई के है, बट एट द सेम टाइम आई सॉ देयर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम गुड़गांव। तो गुड़गांव इज ब्लेस्ड विद सोनीपत, पानीपत, यू नो लॉट ऑफ लैंड नेक्स्ट टू इट, मुंबई, पालघर, करजत, नेरल, ऑल दीज आदिवासी पाड़ाज एंड ऑल। Now again, there are a lot of values with Adivasi land and all because it's all tribal. Now tribal has its own significance, under the Forest Act and under the all those limitations. So, वहाँ पे आप urban farming is a very innovative growing industry. लोगों को ये सब्जियाँ मिली नहीं रही है chemical free वाली, pesticide free वाली। मुद्रा लोन इसके लिए आप ले सकते हैं, आप आसपास में कहीं पे भी मैं तो कहूंगी खरीदिए मत, क्योंकि खरीदने में पैसा बहुत जाएगा। जॉइंट लीजिए, कहीं पे रेंट से लीजिए, एंड नाउ डेज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज फुल्ली ऑन, यू नो, सो यू कैन थिंक अबाउट दैट। अर्बन फार्मिंग इज वेरी वेल ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड लाइफ लॉन्ग इंडस्ट्री है। ये है, हार्डवर्किंग है, डिटर्मिनेशन है, आपको मेहनत उसमें जरूर करनी पड़ेगी। सो एग्रो में आई थिंक इवन फ्लावर मिलिंग है, आपके घर में वाइफ है, हस्बैंड है, आई टेल यू अगर मिलके आप ये करते हैं फ्लावर्स में, रागी, अगेन यू नो मिलेट्स, मिलेट्स इज अगेन कमिंग अप विद द ह्यूज इंपॉर्टेंस। सो दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट्स विच यू कैन डू विद मुद्रा लोन वेरी वेरी इफेक्टिवली। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, यू कैन ऑल्सो थिंक टू डू द प्रोजेक्ट और मे बी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जैसे हम राजस्थान गुजरात से आए हैं तो नाउ यू नो अफ्रीका, और वी कैन थिंक ऑफ नमीबिया, घाना, बिकॉज दे आर द ह्यूज। अगेन टू बी वेरी केयरफुल विद द राइट सोर्सेज, विद द राइट चैनल, नॉट दैट किसी ने आपको बोला और आपने वहां पैसा लगा दिया, प्लीज बिग नो नो, नहीं तो मुझे ही पकड़ेंगे आपकी भाई शर्मिला जी ने बताया था। बट अगेन विद द राइट सोर्स, Indian Consulate General, the right link, government, everything has to be there. No directly communicating and no directly because frauds bhi bahut zyada hote hai. Aur aaj ki tarikh mein every penny is very important to us. So, summarizing all this, there are lots of processing industries, processing units and mudra loan ka aaj ka jo yeh vishay hai, इसको आपको बहुत बार क्या है कि मुद्रा लोन ले तो क्या, किस किस हिसाब से ले। आप ध्यान रखिए कि जैसे एसएमई एमएसएमई एक बहुत बड़ा सेक्टर है, कुटीर उद्योग भारत सरकार का एक बहुत ही अग्रगण्य ये रहा है प्रोजेक्ट, तो कुटीर उद्योग के लिए आप मुद्रा लोन को ले सकते हैं, महिलाएं ले सकती है, जेंट्स ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि देखिए महिलाएं तो बहुत आगे चली गई है, पर अब मुझे लग रहा है अब हमें थोड़ा सा जेंट्स को बाहर निकालने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। इनफैक्ट काका ने शुरुआत में बताया कि सब महिलाएं आप आगे आइए, पर मैं आपको कहना चाहूंगी मेरे खुद के अब एक्सपीरियंस से कि महिलाएं तो अब बहुत आगे आ चुकी है, अब जरूरत है हमारे भाइयों को बाहर लाने की, क्योंकि कहीं तो ये लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इनके भी अपने कॉम्प्लेक्स होते हैं, फ्रस्ट्रेशन आते हैं, डिप्रेशन आती है। इनफैक्ट हमारी अपने जैन कम्युनिटी में हम देखते हैं आजकल कितने सुसाइड्स हो रहे हैं, और क्या पता हमारे नेक्स्ट डोर में प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्या क्यों ना हम उन्हें ये एक हाथ दे कि हाँ भाई देखो जी तो मुद्रा लोन लेके आया है अब तक। तो हमने अब ध्यान रखना है हमारे आसपास में कि किसकी हालत खराब है। अब पहले लॉकडाउन में हमने बहुत काम कर लिया साधर्मिकों के साथ, नॉट नेसेसरी वो रिपीटेड हो, पर कम से कम उनको सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन, मॉरल सपोर्ट। जैसे सुशांत का केस लीजिए आप, सुशांत के पास कोई नहीं था, क्या पता हमारे आसपास में ही ऐसे कई लोग हो जिनको आपकी जरूरत हो। हमारे आसपास ऐसे कई भाई है जिनके बिजनेस नहीं चल रहे, दुकानें नहीं चल रही है, ट्रेडिंग में लॉसेस चल रहे, स्टॉक में लॉसेस चल रहे। आई थिंक दे ऑल नीड अ हैंड, दे ऑल नीड अ शोल्डर टू लीन ऑन। सो वी इनफैक्ट वी आर वेरी स्ट्रांग वुमेन एंड जैन वुमेन वेरी प्रिविलेज्ड एंड वेरी स्ट्रांग। सो हमने हमारी भाइयों के साथ अभी कंधे से कंधे लगा के अभी हमें आगे चलना है, वक्त आ गया है। अब पहले का टाइम नहीं है कि एक कमा रहा है और दस खा रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, बहुत बार हमारी फैमिली जैसे कॉन्जर्वेटिव हुआ करती थी कि भाई महिलाओं को काम नहीं करना, पर अब वो टाइम भी नहीं रहा, और अब तो वक्त बदल गया है, महिलाएं तो अभी फेस बन चुकी है बिजनेस का। तो समराइजिंग, मुद्रा लोन इज अ वेरी इफेक्टिव टूल। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मुंबई जोन आपको 4% दे रहा है, 4% आपको गवर्नमेंट से मिल जाएंगे, तो ये सारा जो है आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा। शर्म मत रखिए, हेजिटेशन मत रखिए, और मेरा एक रिक्वेस्ट है मुंबई जोन से,
कि प्लीज इसका एक सेल बनाइए। क्या होता है कि बहुत बार ये इंफॉर्मेशन किसी को पता नहीं है, इसके ऊपर डेडिकेटेड काम करना पड़ेगा कि ये फ्रेमवर्क क्या है, इसके साथ कौन सी इंडस्ट्रीज अलाइड है, आप कौन से मतलब थोड़ा उनके साथ है ना, जिसको कहते हैं एक काउंसलिंग। और बहुत बार मैं आपको बताऊं, इन सब भाइयों को फ्रेंड्स की जरूरत है। लेट्स जीतो बी अ फ्रेंडशिप टू देम, यू नो, कि दरवाजे खोलिए, स्माइल करिए, और कहीं पे भी ये हेजिटेशन नहीं हो कि अरे मैं FCP नहीं हूं, मैं JATF नहीं हूं, तो मैं जीतो के पास कैसे जाऊं। कभी कभी बहुत बार ये होता है कि उनको ये लगता है कि अरे यार मैं तो एक सामान्य मेंबर हूं, मैं ऑर्डिनरी मेंबर हूं, मैं पेट्रन हूं। तो सारे इस कास्ट क्रीड एंड दिस यू नो क्लब मेंबरशिप का जो एक एटीट्यूड थिंकिंग आ गया है, उससे परे निकल के देखिए, हम पैंडेमिक में है, पंचमारा में है, भगवान महावीर स्वामी की सिखामण हमारे साथ है, तो आइए हाथ बढ़ाते हैं, साथ बढ़ाते हैं। मुंबई जोन ने दी हुई जो ये योजना है, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। एंड एनीवेयर इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम अस, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल। एंड मुंबई जोन, जोयत भाई साहब एंड पृथ्वीराज जी साहब, मनीष जी, ममता, आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आपने मुझे इन्वाइट किया। कुछ भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, प्रोसेसिंग से रिलेटेड, इफ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच, जय जिनेन्द्र, जय हिंद। थैंक यू शर्मिला जी, आपने इतनी सुंदर जानकारी इतने सरल शब्दों में दी, और ऐसा लग रहा था कि घर की कोई महिला हमको समझा रही है कि निकल तू बाहर, उठ और चल और अपने स्वप्नों को साकार कर। ऐसा मुझे लग रहा था कि चलो मैं ही निकल के कुछ तो बिजनेस करना चालू करती हूँ, मैं घर में बैठी क्या कर रही हूँ। तो ऐसा हमारी हर महिला को लग रहा होगा, लेकिन वही आपने सही कहा कि सही जानकारी नहीं होती है, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिचक होती है हमारे मन में कि हमारी कौन मदद करेगा, हमको कौन बताएगा, हम तो कभी घर से निकले नहीं, बैंक हमको आता नहीं है, चेक किसको बोलते हैं, चेक कैसे भरा जाता है, लोन कैसे लेंगे, क्या होगा लोन में, क्या हमारे ऊपर बोझा आ जाएगा, कर्ज हो जाएगा, कि मेरे हस्बैंड मेरे को डांटेंगे कि मैंने बिना बताइए बिजनेस कर लिया, से बहुत सारे क्वेश्चन लेडीज के मन होते हैं। तो ये जो मुद्रा लोन अच्छा होते हुए भी हमको समझ ही नहीं आता है कि ये हमारे लिए है कि नहीं है, तो क्यों ना आज हम जो मुद्रा लोन के एक्सपर्ट हमारे पास हैं, अब छोटे छोटे उद्योग हम कर सकते हैं, छोटे छोटे बिजनेस हम कर सकते हैं, और इस मुद्रा लोन को कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस बारे में अगर हमको कभी भी ऐसा लगा, तो मैं तो जोन से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा जो जोन का ऑफिस है उसमें एक दो ऐसे एक्सपर्ट थोड़े समय के लिए बैठाएं, कि जहां पर कोई भी पुरुष या महिला आकर के अपने मन की जो हिचक है, जो डाउट्स है, उनसे पूछ सके और उद्योग के बारे में जानकारी, फोन नंबर, सब कुछ वहां से प्राप्त कर सके। तो आइए हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं कि उद्योग तो हो गए, हमको समझ आया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन हम पैसा कैसे ले सकते हैं गवर्नमेंट से? क्या गवर्नमेंट हम जाएंगे और बोलेंगे कि भाई हमको पैसा चाहिए, हमको ये करना है, हमको दे दो, तो क्या गवर्नमेंट सीधा आपको दे देगी? उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है, ये बताने के लिए हमारे बीच में आज जोई कुमार जी भी हैं और भरत भाई जी भी हैं, जो कि के एक्सपर्ट हैं, और ये दोनों मिलकर के हमें बताएंगे कि एक्चुअल में मुद्रा लोन क्या है, इसकी क्या फॉर्मेलिटीज होती है, ये ऐसे ही किसी को रस्ते चलते मिल जाता है क्या 1,00,000 रुपया, 10,00,000 रुपया, या इसके लिए हमें कुछ योजना करनी पड़ती है, कुछ गवर्नमेंट से साझा करना पड़ता है। और मैं तो एक जो शर्मिला जी के भाषण से ये समझी कि मन खोल के रखिए, एक दूसरे को अपनी तकलीफें बताइए, एक दूसरे से अपनी बातचीत जारी रखिए, कोई भी समस्या आपको आती है या कोई भी कठिनाई आती है तो हम शेयर करें, हम उसके लिए एक दूसरे की सलाह लें, ये सबसे बड़ी आज की जरूरत है। तो मैं आज भरत भाई से और जोईत जी से सलाह लेना चाहती हूँ कि मुझे मुद्रा लोन लेना है, प्लीज बताइए मैं क्या करूं। तो आप भरत भाई, आप बताइए, मुद्रा लोन मुझे चाहिए। थैंक यू, जय जिनेन्द्र, सबको सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मुद्रा लोन जी, बेसिकली ये अपने हर बिजनेसमैन का एक सपना होता है, बिजनेसमैन या कोई भी नए बिजनेस चालू करना चाहते हो, उसको चाहिए कि मुझे कोई बिजनेस करना है जी। तो भरत भाई, तुम्हारा कैमरो बराबर नहीं, कैमरो तुम्हारा चेहरा देखा तो नहीं। ओके, हवे जी, हां अत्यारे देखा। हाँ, ओके, गुड, ओके। तो शू करूं, क्या करना? अब इसके लिए जीतो मुंबई जोन हैज कम अप विथ अ आइडिया ऑफ मुद्रा लोन,
the being objective of Mudra Loan of Jito Mumbai Zone is to strengthen each and every Jain in Mumbai, जो आज लॉकडाउन वगैरह की वजह से काफी बिजनेस में बिछड़ गए हैं. उन्हें पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं, नौकरी है नहीं, बिजनेस करना है लेकिन पैसा नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, क्या बिजनेस किया जाए, क्या बिजनेस किया जाए. उसके लिए अभी शर्मिला जी ने बहुत बहुत सुंदर, बेसिकली बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट, उन्होंने जो नॉलेज दिया है जी, मुझे लगता है कि ये हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए. इसकी कैसे बुकलेट भी अगर जीतो मुंबई जोन बना के जी, ये छोटे छोटे बिजनेस उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसमें क्या फंड लगता है, वो हमको बनानी चाहिए. एंड वी विल बी हैप्पी, मीन्स आई विल बी ऑल्सो हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन दिस एंड गिव माई टाइम फॉर दिस. तो अभी आज लोगों के पास बहुत दफे टेक्निकल नॉलेज है, एजुकेशन है, लेकिन बिजनेस कैसे करना वो पता नहीं है. फाइनेंस का कभी कभी प्रॉब्लम है. बिजनेस के लिए चाहिए टेक्निकल नॉलेज, एजुकेशन और फाइनेंस. फाइनेंस कहाँ से लाना वो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है. बहुत दफे छोटे बिजनेसमैन अपने अपना फाइनेंस अपने खुद की सेविंग से, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लोन लेके करते हैं और उसके बाद बैंक रहता है. लेकिन छोटे बिजनेसमैन को हमेशा लगता है कि मुझे कौन लोन देगा जी? मुझे चाहिए, मुझे पता भी नहीं है कि कैसे उनके लिए पेपर तैयार करने हैं. मैं जाऊंगा क्योंकि नॉर्मली वो बैंक में जाता है तो बैंक मैनेजर या जो भी उसका लोन का मैनेजर है वो उसको इजीली एंटरटेन नहीं करता है, क्योंकि वो देखता है कि मैं, वो सोचते हैं कि हम 1-2 लाख वाले वो क्यों करें, हमारे पास 1-2 करोड़ का बिजनेस है, उसी में हमारे को टारगेट पूरा करना है, तो और इसके पीछे टाइम पूरा करके हम क्यों टाइम दें. तो उनको कोई एनकरेजमेंट बहुत दफे नहीं मिलता है, तो इसके लिए इसी वजह से वो जाता ही नहीं है. और एक बाजू उसको नहीं मिलता है वो रीजन है, और दूसरा बिजनेसमैन खुद भी, छोटा बिजनेसमैन खुद डरता है, ये फॉर्मेलिटी कौन करेगा, बैंक ऑफिशियल को कैसे मिलेंगे हम. बहुत पहले तो सबसे पहले तो उसके अंदर लघुता ग्रंथि होती है, फिर मैं तो बहुत छोटा आदमी मुझे कौन देगा. उसको डर भी लगता है कि मैं कभी फेल हो गया तो बैंक को पैसा मैं कैसे चुकाऊंगा. और सबसे बड़ा तो उसको हमेशा एक ही चीज लगता है कि हमें बैंक लोन नहीं मिल ही नहीं सकता है हमें. तो अभी जीतो मुंबई जोन ने इसके लिए ही ये बैंक लोन, मुद्रा लोन का प्रोजेक्ट चालू किया है, जिसमें जीतो मुंबई जोन आपको हर ढंग से मदद करेगा. फॉर्मेलिटी कैसे की जाए, आपके पेपर्स कैसे अरेंज किए जाए, आपके लिए छोटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाया जाए, और उसको बैंक के साथ बैंक में कैसे पुटअप किया जाए. इसमें आपको लोन 50,000 से 10 लाख रुपए तक की मिल सकती है. मैक्सिमम लोन अमाउंट इज 10 लाख. दिस एवरीबडी हैज टू कीप इन माइंड. उसका इंटरेस्ट रेट आज की तारीख में 8% है. तो जीतो मुंबई जोन ने नक्की किया है कि 4% हम बेयर करेंगे, आपको खाली 4% बेयर करना है. मीन्स आपको 10 लाख रुपया मिला तो साल का मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 40,000 खाली ब्याज भरना है. तो ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता जिसमें 10 लाख की पूंजी लगाए और अपन साल के 40,000 भी ना कमा पाए, बल्कि ज्यादा नहीं कमाए. मैं बोल रहा हूँ कि 1 लाख रुपया भी कमाए तो भी हम 40,000 ब्याज भर पाएंगे. तो आप डरो मत कि हमने लोन लिया तो क्या होगा, हम कैसे चुका पाएंगे. क्योंकि आज मेरे पास काफी लोग आते हैं तो मैं एक चीज मैंने देखा है कि वो लोग को पर्सनल लोन चाहिए, वो डरते हैं, बैंक का नाम लेते तो भाग जाते हैं. ऐसे मेरे पास अभी तक कम से कम 3 से 4 किस्से हुए जिसको बिजनेस करना है, लोन चाहिए, लेकिन वो बोलते भरत भाई तुम पर्सनल दे दो, बैंक से नहीं. तो ये अपना जो एटीट्यूड है ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक जवाबदारी से ही काम करना पड़ेगा. बैंक से लेंगे तो हमको देने की जवाबदारी भी होगी, और वो जवाबदारी होगी तो ही हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा. हमने फ्रेंड से लिया होगा तो देंगे, हमारी नीयत ऐसी नहीं है कि नहीं देना है, लेकिन फिर भी उसको हम टाल सकते हैं. इसी वजह से हम फ्रेंड्स और रिलेटिव से लेना चाहते हैं, तो वो सोच बदल के बैंक से लेने की अगर सोच डेवलप करेंगे तो उसका एक फायदा तो क्या होगा कि हम सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे. अभी सबके पास
सबसे बड़ा बहुत दफे प्रॉब्लम क्या आता है कि उनके पास बैंक अकाउंट में कोई बिजनेस ही नहीं है, बिजनेस है तो आइडियाज है तो पेपर पे नहीं है। तो ये सब चीजें सिस्टमेटिक होगी, और एक्चुअली जब सिस्टमेटिक होता है तभी बिजनेस का ग्रोथ होता है। हाफाजर्ड में अपने देसी ढंग से आज तक काम किया। भरत भाई आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, थोड़े से क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास, अगर हम क्वेश्चन को लेते जाएं और आप उसके आंसर देते जाएं। ममता जी एक मिनट, इनकी स्पीच पूरी होने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। एक मिनट, ताकि इनकी लय टूट जाएगी पूरी। भरत भाई को पूरा बोलने दीजिए। ममता जी, भरत भाई की स्पीच में उनके आंसर मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे आपको। तो यही चीज है जिससे हमें बाहर निकलते हैं। अभी मैं प्रोजेक्ट मुद्रा लोन की थोड़ी हाइलाइट्स बताता हूं कि ये लोन 50,000 से 10 लाख तक है। इसमें कोई गारंटी नहीं देनी है, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी। अभी इंटरेस्ट रेट 8% है जी, तो एक साल के लिए 4% सब्सिडाइज देगी और आपको गाइडेंस भी पूरा प्रोवाइड करेगी। अभी इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? पहला आपका आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा, एड्रेस प्रूफ, फिर एड्रेस प्रूफ ऑफ बिजनेस चाहिए कि आपका काम कहाँ से, घर से भी काम कर रहे हैं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एड्रेस प्रूफ ऑफ बिजनेस मीन्स आप जहाँ से काम कर रहे हैं, घर से है तो घर का, अपने भाड़े से जगह लिए या खुद की जगह है तो उसका। आपने अगर MSME सर्टिफिकेट है तो वो दो, नहीं है वो हम जीतों से करके देंगे अगर जरूरत पड़ा तो, MSME वगैरह। और रेंट एग्रीमेंट आपका लीव एंड लाइसेंस का है तो दो। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये जैन माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट है, जैन माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट आप बहुत लोग पूछते हैं कहाँ से मिलेंगे, तो आप आपके संघ में या आपके समाज पे जाके ये ले सकते हैं कि भाई ये मैं इस समाज का सदस्य हूँ, ये मेरी मैं जैन, वो जैन है, वो लिख के देंगे अपने लेटर हेड पे, दैट इज सफिशियंट। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है दूसरी कि मिनिमम सिबिल स्कोर 680 तक कम से कम होना चाहिए। सिबिल स्कोर इज वॉट? कि आपने अगर कभी कोई क्रेडिट कार्ड किया है, होम लोन लिए, कुछ भी लिए, अगर आपने कभी डिफॉल्ट नहीं किया है तो आपका एक क्रेडिट रेटिंग होता है गवर्नमेंट का, तो उसके अंदर आपका अच्छा क्रेडिट मीन्स इट इज नॉर्मल। खाली बहुत ज्यादा डिफॉल्ट है तो ही आपका ये क्रेडिट रेटिंग नीचे जाता है, नहीं तो हमेशा अच्छा ही मिलता है। तो ये हम ढूंढ लेंगे आपको, खाली आपका बहुत ज्यादा लोन डिफॉल्ट है तो पहले आप एप्लीकेशन के पहले बता देना, तो वी कैन डू, इफ वी कैन डू समथिंग वी विल डू। फिर है ये लोन मैक्सिमम कितने पीरियड का रहेगा, ये 7 साल का मैक्सिमम लोन पीरियड रहेगा। अगर आपने कैपिटल टर्म लोन लिए, टर्म लोन बोलेंगे तो मशीन डालनी है, जैसा अभी वो शर्मिला जी ने बताया था, वैसे कोई छोटा राइस बांध के लिए कोई मशीन लेनी है, ये लेनी, तो वो सब आपको 7 साल के अंदर किस्तों में भरना है। और दूसरा आपको वर्किंग कैपिटल लोन भी मिलती है जो CC लोन कही जाती है, कैश क्रेडिट, तो जो उसमें आप जितना वापरोगे उतने का ही ब्याज लगेगा। आपको खाली एक लिमिट दी जाएगी कि आप 5 लाख रुपए का आपको वर्किंग कैपिटल लोन दिया तो आप 5 लाख के अंदर अंदर आप कभी 50,000 भी वापरो, जरूरत है तो 5 लाख भी वापरो, नहीं भी वापरो, तो लेकिन जितना वापरोगे उतना ही ब्याज लगेगा। तो ये मोटा मोटा, और ये दूसरा, ये लोन हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू कर रहे हैं, और आपको जिसको भी लोन लेना है उसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ही ये खाता रखना पड़ेगा, विच कैन बी ऑपरेटेड एनीवेयर इन मुंबई, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपको वहां पे जाना पड़ेगा। अगर आपने कहीं पहले से लोन ली है तो भी इसमें थोड़ी मीन्स, अगर आपने छोटी लोन है 1-2 लाख की है, आपको शिफ्ट करनी है तो हो सकती है, लेकिन आपके पास पहले से 10-20 लाख की लोन है तो उसके लिए मुद्रा लोन अवेलेबल नहीं है। मुद्रा लोन छोटे बिजनेसमैन के लिए है, छोटे एंटरप्रेनर है जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको भी मिल सकती है। खाली 1 साल का इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल किया होगा, नहीं किया होगा तो हम अभी भी कर सकते हैं, हमारे उधर से करवा देंगे, तो उसके बाद ये लोग दे रहे हैं, वो देंगे। अगर आपका प्रोजेक्ट एलिजिबल है, आपका आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके अंदर आपका बरोबर विजन है तो यू विल गेट इजीली, देयर इज नो इश्यू इन गेटिंग लोन। अभी 6 महीने पहले ऐसे ही हमारी जया बेन अभी इसमें पार्टिसिपेंट भी है, तो मेरे पास आई थी लोन के लिए, तभी तो जीतो का प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ था, तो उनको मैंने बताया था कि आप ये लोन ले सकते हैं कैसे, तो फिर वो यहाँ पे सेंट्रल बैंक से ही उन्होंने गोरेगांव से ली, उनको 10 लाख की लोन इजिली मिल गई। उन्होंने मीन्स उनका एक्चुअली 4-5 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस था, सी इज इन मेकिंग साबू शैम्पू वगैरह का काम करती है,
जो पहले महीने का 50,000 लाख का काम करती थी, ये लास्ट मार्च महीने में उन्होंने 12 लाख का टर्नओवर किया मंथली मुद्रा लोन लेने के बाद। तो दिस इज द पावर ऑफ मुद्रा लोन फाइनेंस। तो वो भी अपना टाइम मिला तो वी विल आस्क हर टू स्पीक हियर, वी विल इनवाइट हर फॉर हिज गिविंग हिज हर एक्सपीरियंस। तो और ये महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत दफे इनको फाइनेंस की हमेशा तकलीफ रहती है, उनको घर से कभी कभी सपोर्ट नहीं मिलता है, तो लेकिन बैंक उनको प्रायोरिटी पे देगी। तो लेडीजों को जरूर है कि ये जो शर्मिला जी ने बताया, वैसे कोई भी छोटे बड़े बिजनेस करने या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यू कैन कम फॉरवर्ड एंड वी आर ऑलवेज रेडी। जीतो मुंबई जोन इज ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट एनीबॉडीज ड्रीम। थैंक यू। बहुत सुंदर, भरत भाई ने बहुत अच्छी बात शेयर की कि कोई भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला लोन है, लेकिन जीटो इसको सब्सिडाइज कर देती है और 4% इसका ब्याज हमारे लिए, किसी भी जैन मेंबर के लिए या नॉन जीटो मेंबर के लिए भी वो 4% कम कर देती है। तो हमारे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उनका जो जी आप चाहें तो आप भी जवाब दें, या भरत भाई आप कह सकते हैं कि कैन वी अप्लाई फॉर मोर देन 10 लैक्स? नहीं, 10 लाख नहीं मैम, और लिमिटेड 10 लाख तक ही मिलता है। तो एक व्यक्ति को एक नाम से भी 10 लाख मिल जाता है? हाँ, एक व्यक्ति को 10 लाख। अच्छा, क्योंकि हम पहले ऐसा समझ रहे थे कि प्रति व्यक्ति 1 रुपए होता है, और अगर 10 लेडीज मिल करके अप्लाई करती है तो 10 लाख रुपए मिलता है। तो ऐसा नहीं है, एक लेडीज को भी या एक जेंट्स को भी 10 लाख तक मैक्सिमम अमाउंट मिल सकता है। हाँ, डिपेंड अपन उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसा है मैडम। भरत भाई, अच्छा, तो जैसा उनका प्रोजेक्ट होगा उसके अनुसार गवर्नमेंट सेंक्शन करती है, वो पहले सब चेक करती होंगी कि आप क्या प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हो और उसके हिसाब से। तो क्या इसमें कोई गारंटी या किसी प्रकार की सिक्योरिटी कुछ भी देना नहीं पड़ता 10 लाख लेने के बाद भी? नहीं, कोई गारंटी नहीं है और कोई सिक्योरिटी लेने की जरूरत नहीं है, कोई प्रकार की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो चार, एक मिनट ममता जी, ममता जी, हाँ जी, एक मिनट ना, जोहित, हाँ, जोहित कुमार जी, आप विस्तार में जरा बता दीजिए, आपने जो एक एक डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, आप एक बार विस्तार से बता दीजिए ताकि लोगों को क्वेश्चन में पूरा आंसर ही मिल जाएंगे। जय जीरेन्द्र पत्रिया जी, जय जीरेन्द्र ममता जी, सब सादर जय जीरेन्द्र जी। जैसा कि पत्रिया जी ने बताया है, भरत जी ने बताया मुद्रा लोन के बारे में, बाकी सब पूरा हो चुका है। एक व्यक्ति को मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक लिमिट है। अगर 10 व्यक्ति साथ में मिलके आते हैं और 1 करोड़ का कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो भी हम कोशिश करेंगे उनको मदद करने की जी। उनके लिए कोई गारंटी नहीं देनी है, पॉइंट नंबर 2 जी। करंट इंटरेस्ट रेट जो है उनका 8% है, जिसमें 4% जीतो सब्सिडी देगी और 4% उनको देना है। ये सब्सिडी खाली 1 साल के लिए है, नेक्स्ट ईयर से उसको 8% पूरा देना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, उसको क्या चाहिए जी? एक उसका आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड या कोई भी बिजनेस का जीएसटी का प्रूफ हो उसके पास, या उनके पास राशन कार्ड हो तो भी चलेगा। जिस जगह से वो धंधा करना चाहते हैं उसका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए जी। या उनकी खुद की है तो उनके एग्रीमेंट होने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल है और रेसिडेंट का कोई प्रूफ चाहिए। जैन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के लिए हम अपनी संस्था से भी दे सकते हैं, जीतो से भी दे सकते हैं और अपने संघ से भी ले सकते हैं। करेक्ट। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है उनका सिविल स्कोर 680 के नीचे नहीं होना चाहिए। 600 कहीं क्रेडिट कार्ड लिया है, उन्होंने पेमेंट नहीं किया है और रेट अगर आपका खराब हो गया है तो वैसे व्यक्तियों को लोन नहीं मिलेगा। कहीं और से उसने बड़ी लोन ली तो दूसरी बार उसको लोन नहीं मिलेगी, ये भी क्लियर है। और मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो 84 महीने, 7 साल तक है, ताकि आपको ये मैक्सिमम लिमिट है जी। इसमें हम वर्किंग कैपिटल भी ले सकते हैं, अगर आपको नॉर्मल वर्किंग कैपिटल कोई मशीनरी के लिए चाहिए तो भी उसमें 3 ईयर की बैलेंस शीट आपको देनी पड़ेगी जी। और बैलेंस शीट बनाने में भरत जी और अपने ऑफिस बॉम्बे जोन मदद करेगी, अगर उनके पास नहीं है तो भी जी। और जो मशीनरी जहां से खरीद रहे हैं उनका नंबर और उनका जीएसटी नंबर, ताकि जो चेक आएगा वो डायरेक्ट उनके नाम पे जाएगा जी। या और भी कोई कंपोनेंट खरीद रहे हैं तो उनकी भी लिस्ट बैंक को देनी पड़ेगी कि ये मेरे सप्लायर है,
इनसे ये सामान आएगा और ये उनका जीएसटी नंबर है, तो वो लोग भी एक बार उनको भी चेक कर लेते, क्रॉस चेक कर लेते उनके जीएसटी पे बराबर है कि नहीं है जी। अभी आप एक एक करके कोई भी प्रश्न है वो बता दीजिए ताकि मैं आपका मार्गदर्शन दे सकूं जी। एक क्वेश्चन ऐसा आया कि अगर पहले से कोई बिजनेस कर रहा है और वो चाहता है कि वो 10 लाख का और लोन ले तो क्या उसको मिल जाएगा, कि ये नए फ्रेशर लोग को ही मिलता है? नहीं, अगर उसने लोन लिया कि नहीं लिया वो पहले बात तो वो है, अगर उसने सेंट्रल बैंक के अलावा किसी और बैंक से लोन लिया होगा तो ये दूसरा लोन उसको नहीं मिलेगा, कि उसे सेंट्रल बैंक चाहेगी कि उनका पैसा सेफ रहे, दूसरी बैंक चाहेगी मेरा पैसा सेफ रहे, तो दो अकाउंट नहीं खुल पाएंगे उनके, उनको सेंट्रल बैंक में अकाउंट खोलने पड़ेंगे, सेंट्रल बैंक में अकाउंट खोलने पड़ेंगे। और एक क्वेश्चन आया, इज इट पॉसिबल फॉर अ नॉन जैन टू अप्रोच जीटो फॉर द लोन? क्या जीटो के लोन के लिए कोई नॉन जैन आ सकता है? मैडम अभी मैं हाँ भी नहीं बोलूंगा ना भी नहीं बोलूंगा, हम लोग पॉलिसी डिसीजन लेंगे उस वक्त। एक मिनट जैन साहब, इसका जवाब मैं देता हूँ। मैडम ये मुद्रा लोन हर एक के लिए है, कोई जैनों के लिए ऐसा नहीं है, वो इंडिविजुअली उसकी बैंक में एप्लीकेशन कहीं पे भी डाल सकता है, पर हम लोग जो सब्सिडी दे रहे हैं वो सिर्फ जैनों के लिए दे रहे हैं, बाकी हिंदुस्तान में जितने भी लोग कहीं से भी कोई भी बैंक से डाल सकते हैं। ये स्कीम अगर अपना कॉपी पेस्ट भी करता है तो भी उसको मिल जाएगी, ऐसा पर हम लोग उसके लिए सपोर्ट नहीं कर सकते जी। गुंचा जी, कोठारी जी, मैं थोड़ा ऐड करूंगा इसमें नॉन जैन में हम खाली इतना ही चेंज करेंगे, सब्सिडी तो हम खाली जैन को देंगे, लेकिन अपने उपाश्रय देरासर के कर्मचारी हैं और उनके बच्चे या वो कोई करना चाहते हैं तो हम जरूर हेल्प करेंगे अपने देरासर, और उसमें मैं पर्सनली तो करूंगा ही उसको, जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने देरासर के पुजारी उपाश्रय के वगैरह कर्मचारी आम्बिर साहब के, तो उसको हमको भले हम लोन ना दे लेकिन उसको हेल्प हम जरूर करें, इंटरेस्ट सब्सिडी ना दे करें, एक मेरा सुझाव है जी। प्रतीक कुमार जी संघवी का एक क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं कि क्या कोई मैक्सिमम फैमिली इनकम का क्राइटेरिया है क्या, कि इतने इनकम वालों से ऊपर वाले को लोन नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी चाहे बिजनेस करना वो इतने लोन के लिए इतने अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकता है। भरत भाई भरत भाई एक क्वेश्चन है कि समझो 10 लाख रुपए का मैंने लोन लिया किसी ने भी, तो नेक्स्ट ईयर में अगर उसने बैलेंस शीट में उसका बिजनेस अच्छा हुआ है, प्रॉफिट अच्छी हुई है, तो बैंक उसकी लिमिट को अगले दूसरे साल तीसरे साल बढ़ा सकती है? हाँ, बढ़ा सकती है। मुद्रा लोन से खाली बाहर चला जाएगा, उसका इंटरेस्ट रेट होगा, बट ही विल गेट उदाहरण के तौर पर 25-30 लेडीज लोग इकट्ठी हो जाती है और एक अपनी संस्था बना लेती है तो वहाँ 2 करोड़ तक भी वो लिमिट आगे बढ़ सकती है, डिपेंड अपॉन प्रोजेक्ट कैसे अपने। वो माइक्रो फाइनेंस में 2 करोड़ नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड माइक्रो फाइनेंस, इट इज नॉट मुद्रा लोन। माइक्रो फाइनेंस जो है उसमें 10-20 लेडीज इकट्ठा करके ये सब नेशनलाइज बैंक माइक्रो फाइनेंस करती है, उसमें भी ब्याज का दर कम है उसके, लेकिन माइक्रो फाइनेंस इज समथिंग डिफरेंट सब्जेक्ट। जैन साहब उसके ऊपर अपन बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ अपन मुद्रा लोन तक उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। विनोद जी राठौर का क्वेश्चन है कि अगर होम लोन पहले से ही चल रहा है तो क्या उनको भी मुद्रा लोन मिल जाएगी? हाँ, मिलेगी, होम लोन इज डिफरेंट, बिजनेस लोन इज डिफरेंट। अच्छा, और प्रियंका जी का क्वेश्चन है कि एनी लोन टू प्रोफेशनल, जो प्रोफेशन में जैसे चार्टेड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है या डॉक्टर है, तो उनको भी मुद्रा लोन मिल सकती है? हाँ, उनको तो मिलेगी, इजी, खुशी खुशी देगा गवर्नमेंट क्योंकि उनका तो ज्यादा सिक्योरिटी रहता है इजीली। अच्छा, क्योंकि उनका रीपे करने का ज्यादा अच्छा चांसेस होता है, गारंटेड वो रीपे कर पाएंगे ऐसा सोचती है क्या सरकार? नेचुरली वो तो कोई भी है, ये तो अपने से क्या, खाली फोन पे करे तो उनको मिल जाएगा जी। और हमारे कुछ ऐसे मेंबर्स, इन्होंने नाम नहीं लिखा है लेकिन अपना नंबर डाला है 505803, कि क्या कोई भी, हाउ टू अप्लाई फॉर द लोन, कोई ऐसा प्रोसेस हो या कहीं जाकर के या अपने ऑफिस में आकर के वो अगर चाहे कि अप्लाई करना तो हम मदद करेंगे उनकी? हाँ, श्योर श्योर, बोला ना पहले, हम वही तो काम हमारा है, गाइडेंस इन प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, तो वो मेरी ऑफिस, हाँ नहीं, मेरी ऑफिस से भी है ना जैन साहब, इसके फॉर्म भी है ना? आपने फॉर्म है ना, फॉर्म अपन दे देंगे उनको सर। और फॉर्म है, और भाई प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, सिर्फ इतना ही जानना था।
जी वो तो अगर प्रॉपर है तो 10-15 दिन में हो जाएगा, मीन्स पहले मैं क्या जिनको भी करना है ना तो एक बार अभी तो अगर कम है तो मेरी ऑफिस में फोन कर देंगे, ईमेल आईडी ईमेल से मुझे सब डॉक्यूमेंट भेज देंगे तो वी विल। अभी कल ही मैंने एक जन का बनाया है, अभी आज बना के अभी मैं देने वाला हूँ एक आध दिन में, सोमवार को उधर अपने सेंट्रल बैंक में आज ही बनाया, तो वी विल प्रिपेयर इन 2-3 डेज एप्लीकेशन एंड वी विल फॉरवर्ड। तो अगर सही रहा उनके नॉर्म्स में बैठा तो आई थिंक 10-15 डेज दे कैन सैंक्शन। मैं ममता जी एक बीच में बात डालना चाहता हूँ, घाटकोपर चैप्टर का इनोग्रेशन के टाइम पे हमने मुंद्रा लॉन्ग के बारे में बात किया था जी, तो वहाँ जो कैटरस की लड़की थी तो उस लड़की ने मुझे फोन किया था कि मैं अजैन हूँ क्या मुझे लोन मिल सकती है क्या, तो हमने वही बताया था कि भाई हम लोग जैन को सब्सिडी देंगे लेकिन आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्लीकेशन की और 12 दिन के अंदर उसको 3 लाख रुपए की जरूरत थी, 3 लाख रुपए मिल भी गया, तो उसने मुझे थैंक यू का वो मैसेज भी छोड़ा है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात बताई आपने जोई जी, मैं इसीलिए बोलती कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, उन्होंने कोशिश की, ममता जी जाके 3 लाख का लोन भी मिल गया, बहुत अच्छी। एक और क्वेश्चन आया है, जया जिन को लो, कैन 4 लेडीज कम टुगेदर एंड बाय अ शॉप, दे विल बी एलिजिबल, वो एक साथ मिल करके कोई दुकान खरीदती है तो उनको मुद्रा लोन दुकान खरीदने के लिए मिल सका? मैडम शायद नहीं मिलेगी क्योंकि वो धंधा करने के लिए, घर या दुकान खरीदने के लिए लोन नहीं है, उसके लिए डिफरेंस हो गया ना, वो रीपेमेंट कैसे करेंगे वो सब देखना पड़ेगा उनको। जी जी, अगर दुकान खरीदी हुई है उसमें आप वो बिजनेस करना चाहते हैं तो लोन मिल जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। दीपा ठोले जी का एक प्रश्न है कि कैन आई गेट लोन फॉर चाइल्ड एब्रॉड एजुकेशन, बाहर पढ़ने जाना है बच्चे को, तो उसके लिए मिलेगा इसे? हाँ, वो बिजनेस के लिए नहीं, वो मुद्रा लोन नहीं मिलेगी लेकिन वो SME में दूसरा मिल जाएगा उसको, EWS कोटे में, या वो देखना पड़ेगा उनको, उड़ान में भी मिल नहीं, वहाँ पे परदेश परदेश पढ़ो योजना है उसके अंतर्गत उन्हें मिल जाएगा, परदेश पढ़ो योजना उसके अंतर्गत उन्हें मिल जाएगा, वो श्योर शॉट मिलेगा, 30 लाख रुपए तक लिमिट है उस तरह। हाँ, और जॉयत भाई साहब ने जो बताया मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि देखिए ये जो 10 लाख की राशि है ना ये कोई कम नहीं है, आप इसको 10 लाख को अगर आप थोड़ा सा बाइफर्केशन करते हैं जो भी बिजनेस आइडिया या मान लो जो भी बिजनेस करना चाहते हैं तो सीड कैपिटल और ऑपरेशंस ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस 10 लाख को आप 10 लाख का 10 लाख मतलब बहुत बार क्या होता है कैसे लगता है कि अरे ये कम फिगर, कम नहीं बिल्कुल नहीं, आप 10 लाख का 1 करोड़ बना सकते हो साल में अगर सही कुटीर उद्योग, सही प्रोसेसिंग यूनिट अगर आप ले, उसको 50,000 भी 50,000 के नीचे खर्चे लगने वाले भी यूनिट है जो आप 10 लाख तक उसका ऑपरेशंस, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, सप्लाई चेन, एवरीथिंग यू कैन फिक्स इन दैट लीन कैनवास। सो 10 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट है, सब्सटैंशियल अमाउंट है, इसको आप बिल्कुल छोटा मत समझिए। तो आप उसको बिल्कुल कि 10 लाख में मैं दुकान कैसे लूं वगैरह बिल्कुल नहीं, और अभी के टाइम में आप ये दुकान खरीदने की बात थोड़ी सी मैं तो कहूंगी कि कोई भी लायबिलिटीज, कोई भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स ये बिल्कुल मतलब ज्यादा लोड नहीं लेना है, आने वाले टाइम का हमें शाश्वती नहीं है, गारंटी नहीं है। सो कम से कम में विदाउट कैपिटल, और ये 10 लाख तो एक बहुत बड़ा सोने पे सुहागा है, आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्स है जी। So, इसको आप ऑपरेशंस एंड आपको एक्सपैंड इवन आप मैं आपको गारंटी से बताती हूँ, आप अगर स्मार्टली इसकी प्लानिंग करते हैं फ्रॉम दैट सीड कैपिटल टू ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन, आपको ये बहुत खूबसूरती से एक साल में आप 10 का 50 तो यूं आसानी से बना देंगे और आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी 10 लाख के ऊपर, ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू विथ द एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल अवर जिन्होंने काफी लोगों ने जितने मुद्रा लोन ले लिए। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत अच्छी जानकारियां हमको मिल रही हैं। कई लोग चाहते हैं कि हम अपने कॉन्टेक्ट नंबर उनसे शेयर करें, हम ऐसी जगह उनसे शेयर करें जहां वो आकर के आपसे सलाह ले सकते हैं और किस तरह से मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करें, वो उसके लिए सहायता भी चाहते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास, एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि सर कैन LLP एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड OPC कैन गेट मच लोन, क्या मुद्रा लोन कैन गेट मुद्रा लोन, ये जो क्या LLP एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड OPC ये क्या है, कंपनियों के कुछ नाम लग रहे हैं मुझे। नहीं, LLP, नहीं मैडम, LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी
पार्टनरशिप कंपनी हो गई, प्राइवेट लिमिटेड फर्म भी हो गया, अगर उसमें दो पार्टनर दो डायरेक्टर दोनों एप्लीकेशन करे तो एक बार मुद्रा लोन उसमें भी बिजनेस के लिए मिल सकता है जी। लेकिन दो जितने डायरेक्टर होंगे उतने सबको साथ में एप्लीकेशन करना पड़ेगा जी। और हमारे मुकेश जी शाह जानना चाहते हैं कि रीपेमेंट शेड्यूल क्या होता है, कैसे रीपेमेंट रहेगा तरीका। मैडम वो हमें बताना पड़ता है, पहले साल आपको चाहिए तो देने की जरूरत नहीं है, दूसरे साल से आप शुरुआत कर सकते हैं ब्याज के साथ में, जैसे ईएमआई जैसा हो जाएगा, थोड़ा ब्याज थोड़ा कैपिटल, थोड़ा ब्याज थोड़ा कैपिटल, वो ताकि उसका ब्याज भी कम होता जाएगा और उसका कैपिटल भी कम होती जाएगी और पैसा बच जाएगा उसके घर पे जी। ममता जी एक मेरा सवाल शर्मिला जी से है। हाँ जी शर्मिला जी है लाइन पे। हाँ हाँ मैं हूँ काका। एक सवाल ये है कि आपने जो इतने अच्छी तरह से बताया, नो डाउट द एक्सेलेंट, बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो महिला है जो सेविंग्स करती है छोटे 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 जो अमाउंट के अंदर पॉकेट साइज जो छोटे रहते हैं, कुछ आप ऐसा एक प्रपोजल बना के दे सकते हैं ताकि उनकी सेविंग्स आपके जरिए जो आपने एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसमें हम अपनी महिला जैसे लिज्जत पापड़ कैसे एक उदाहरण के तौर पर है, वैसे हम लोग क्यों नहीं अपनी सब महिलाओं का जो पैसा है उसको कहीं पे इन्वेस्ट किया जाए ताकि उनको उसमें से बचत भी मिल सके और उनको एप्रिसिएशन भी मिल जाए और एक साथ में जुड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ आप एक प्रपोजल कुछ सोच रहे हो काका? इनफैक्ट प्रपोजल ऑलरेडी बनाया है कि हम चाहते हैं कि पूरे भारत की महिलाएं आत्मनिर्भर बने और जिसमें श्योर शॉट गारंटेड 25,000 से 1,00,000 तक का मुनाफा उनको मिलेगा ही, क्योंकि ये हेल्थ इंडस्ट्री है, वेलनेस है। तो हमने वुमेन नेटवर्क ऑलरेडी बनाया है कोऑपरेटिव, तो मैं चाहूंगी मुंबई जोन के साथ क्यों ना हम एक इसको एक पूरा जिसको एग्जीक्यूशन ही मुंबई जोन के जरिए कर सकते हैं, जिससे हम महिलाओं को जोड़ के इसमें पूरी ट्रेनिंग सेल्स ट्रेनिंग इनको कैसे जाना है कैसे करना है एंड विद द बेयर मिनिमम, मतलब बेयर से बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट से वो किस तरह से बहुत अच्छे से सक्षम तरीके से अपना घर चला सकती है, ये हम गारंटेड कर सकते हैं। तो मुंबई जोन के साथ हम ये क्यों ना पायलट प्रोजेक्ट कर ले। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी शुरुआत कोठारी जी ने आपको सुझाई है और आप करने के लिए हाजिर हैं, तो हमारे लिए तो दोनों काम सोने में सुहागा हो गया कि एक ने प्रपोजल दिया तुरंत आपने एक्सेप्ट भी कर लिया और इस दिशा में अगर हम काम करें तो सही में मिलजुल करके बड़े बड़े काम हम समाज के लिए अपने लोगों के लिए अपनों के बीच में रहते हुए बिना धोखे की आशंका के हम अपना काम कर सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा सुझाव है कोठारी जी का, तो मैं कि आगे भी हम इस पे वर्क करें। और कई लोग चाहते हैं कि हम अपने ऑफिस का एड्रेस या जो हम मुद्रा लोन के बारे में हमारे पास जो पोस्टर के फॉर्म में जानकारी है वो शेयर करें, तो मैं पूजा जी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार मुद्रा लोन का जो हमारा पैम्फलेट छपा हुआ है वो एक बार आप शेयर कर दें और हमारा फोन नंबर भी शेयर करें। तब तक हम और कुछ क्वेश्चन होते हैं तो वो भी देख लेते हैं। और बहुत से लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुद्रा लोन के बारे में जानना चाहा है, बेंगलोर का एड्रेस लेना चाहा है मुद्रा लोन के लिए कि बेंगलोर में हम कहाँ जाएं या कहाँ से लें मुद्रा लोन। तो अभी मेरे ख्याल से थोड़ी सी जागरूकता मुद्रा लोन के बारे में लोगों के दिमाग में आ गई है कि मुद्रा लोन इज समथिंग बड़ा प्रीशियस, जो अभी तक को किसी को समझ नहीं रहा था, अब सब चाहते हैं कि मुद्रा। ममता जी मुझे लग रहा है मुंबई जोन ने इसकी नींव डाली है और मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगी मुंबई जोन को कि समस्त भारत में सभी जोन्स अपने अपने चैप्टर्स के थ्रू ये करे, तो ये जो प्रश्न है साधर्मिक भाइयों के या हमारे परिवार को या परिवारों के या घरों में चूल्हे जलाने के, तो मुंबई जोन खुद एक इंस्ट्रूमेंटल बन सकता है, यू नो फैसिलिटेटर बन सकता है, कैटालिस्ट बन सकता है। भरत भाई जोहित भाई साहब ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है इसको डॉक्यूमेंटेड करके क्यों ना मुंबई जोन से ये यू नो पूरे सारे जोन को एक रोल मॉडल भी बन जाएगा और मेरे ख्याल से पूरे देश में पहुंच जाएगा ये। करेक्ट है, बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत सही सुझाव है। अब मैं हमारे जो पृथ्वीराज जी कोठारी साहब जोहित जी साहब हैं और मनीष जी, मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि आप इस दिशा में कुछ अच्छा सोचे और हम महिलाओं को भी जोड़ते हुए, क्योंकि हम काम करने की इच्छुक हैं, हमारे पास समय भी होता है लेकिन सही दिशा नहीं होती है तो ऐसा लगता है कि टाइम पास ना हो जाए कहीं, तो आप अगर बताएंगे तो हम शर्मिला जी के साथ या इस टाइप के किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ करके काम करने के लिए हम हर्ष तैयार हैं और सारी महिलाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। तो ममता जी अभी जो भी 100 आदमी आए ना उनको एक पेज का पूजा व्हाट्सएप कर देगी, एक ग्रुप बना लीजिए
कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको और क्या नंबर कॉन्टेक्ट नंबर है उसमें सब लिखा हुआ है। पूजा वो व्हाट्सएप बना के इनको ग्रुप में भेज दीजिए। हाँ जी, और एक पेज भी शेयर कर देती है पूजा जिसमें सब डिटेल से जानकारी है। ये देखिए आप लोग इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बड़ा करके आप आराम से पढ़िए घर पे। एक और दूसरा वाला जो है वो पूजा जिसमें सब रूल्स लिखे हुए हैं वो जो सेकंड नंबर वाला है वो भी आप शेयर कर दीजिए। हाँ, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हाँ, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ताकि आपको कोई चीज मांग लगभग उत्तर सब मिल जाएगा आपको। जी, हमारे ऑफिस का फोन नंबर भी हम शेयर कर दें ताकि जो छोटी मोटी जानकारी अगर कोई चाहे एक बार फोन से, क्योंकि अभी पैंडेमिक का टाइम है, सब तरफ लॉकडाउन है और लोग अननेसेसरी ट्रेवल ना करें, तो फोन से भी काफी जानकारी हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। मैडम है, ऑलरेडी है मैडम, उसके अंदर वो लिस्ट के अंदर नीचे नंबर दिया हुआ। जी जी हाँ, ये आकाश, है आकाश करके नंबर। हाँ हाँ, दिया है, नंबर भी दिया है। और कई लोग चाहते कि आज के प्रोग्राम की हम रिकॉर्डिंग उनको किसी तरह से दें ताकि इसमें जो शर्मिला जी ने बहुत अच्छे छोटे छोटे उद्योग के बारे में जानकारी दी है, लोग चाहते हैं कि उसमें अमल करें और उसके बारे में बैठकर वो सोच के और फिर करना चाहते हैं आगे काम, तो रिकॉर्डिंग भी हम शेयर कर सकते हैं या यूट्यूब में डाल दें तो भी लोगों के लिए मदद हो सकती है। सारे लोग अपने अपने व्हाट्सएप नंबर डाल दें तो ऑफिस के लिए इजी रहेगा, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना और उनको हम यू नो प्रोसेस में ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो जितने लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो यू नो अभी ग्रुप पे चैट में अपना अपना नंबर डाल दे तो जोन ऑफिस के लिए इजी रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप बनाना। करेक्ट, तो आप लोग अपने नंबर डाल दीजिए चैट में और वो हम बाद में नोट कर नाम नंबर और सिटी ताकि पता रहे कौन से शहर से हैं। हाँ जी, सिटी का नाम जरूर डालिए कि आप बेंगलोर से हैं कि उत्तर प्रदेश से हैं कि बंबई से हैं, महाराष्ट्र के कहाँ किस हिस्से से हैं, तो ये होने से हमें बहुत सुविधा हो जाएगी और फिर हम और भी जोन को अपने साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और इस चीज को एक बहुत बड़े रूप में और बहुत सफल रूप में। और खास तौर पे मुझे तब बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब कोई जैन भाई हमारे पास आता है और नौकरी के लिए आता है कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे कोई भी 10,000 की 12,000 की नौकरी दो। एक दो बार मुझे मंदिर में ऐसे लोग मिले जो कि आके हाथ पैर जोड़ते थे महाराज साहब के पास दर्शन के लिए, अचानक जब उनको पता चलता है कि ये संस्था से जुड़ी हुई है तो नौकरी के लिए जब हाथ पर जोड़ते, तो मैं सच कहूं उससे ज्यादा बुरा समय मुझे कोई दूसरा नहीं लगता। तो ये भी हम उनकी मदद कर सकते। ममता जी आप तो आप ममता जी आपको मालूम है ऑलरेडी स्किल इंडिया में बॉम्बे जोन काम कर रहा है अभी जी, और जी टैली के लिए ऑलरेडी अपने स्टार्ट कर लिया है। जो भी बच्चा 10वीं तक पढ़ा लिखा है लड़का या लड़की तो फ्री ऑफ चार्ज में उनको टैली पढ़ाएंगे उसके आजू बाजू में और उनको मिनिमम 10 से ऊपर पगार में उनको नौकरी भी दिला देंगे, तो वो भी कोर्स चालू कर रहे हैं हम लोग। जी जी बहुत अच्छी बात है। और मेरे और एक ममता जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग को जो 2 साल मिला है मुंबई जोन में, हमारा सिर्फ कार्य यही रहेगा कि कैसे लोगों को सक्षम किया जाए और आत्मनिर्भर किया जाए। हमारा 2 साल में सिर्फ यही काम है कि कोई भी जैन हमारा कहीं पे भी हाथ न फैलाए। जी जी बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है और ये होना ही चाहिए क्योंकि हम लोग देने के लिए पैदा हुए सर, हम लोग लेने के लिए नहीं हुए। मेरा यही मानना है। तो अभी अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो हम वाइंड अप करें सर आपका। आज आकाश जी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्होंने लिमिटेशन रख दिया 100 लोगों का, तो आखिरी तक 100 ही लोग है जबकि काफी सारे हमारे चेयरपर्सन नहीं जुड़ सके, सेक्रेटरी नहीं जुड़ सके, उनके फोन आ रहे हैं कि लिमिटेशन है आपका, तो पता नहीं वो हम उनसे पूछा भी था। तो ममता जी जया बहन को कुछ बोलना है। हाँ जी जया जी, हाँ जी हाँ जी बोलिए जया जी, सॉरी हाँ जी हाँ नहीं बोलिए प्लीज शेयर करिए। प्रणाम देवेंद्र सभी को, बाकी तो सब कुछ शरद भाई और बाकी टीम ने सब कुछ बता दिया क्या था। मुझे किस तरह से लोन इजीली मिल गया तो वो एक तरह से ऐसा है कि मेरा जो पेपर वर्क था, मुझे एक्चुअली में इतना नॉलेज नहीं है बैंक वगैरह का, मैं डरती बहुत थी बैंक जाने से, मगर मैं जब ओयू में जुड़ी, जीतो ओयू ग्रुप में हमारा जो भरत भाई जहाँ पे मेंटोर है हमारे, तो उस ग्रुप में जब जुड़ी तो मैं ये देखती इनका जो नॉलेज था भरत भाई का वो हर वक्त वहां पे देते रहते थे। और मेरा एक फायदा ये था कि मेरे घर के बाजू में इनका ऑफिस है, तो मैं स्टार्टिंग में तो बहुत डरती थी इनके पास जाने में कि इतने बड़े आदमी है कैसे बात करूं क्या है,
मगर जब भी गई इनका जो पॉजिटिव वाइब है वो इतना जबरदस्त था ना कि फिर मुझे धीरे धीरे डर नहीं लगता था, मैं बिंदास जाने लगी, बात करने लगी, तो मुझे समझ में आने लग गया था कि पेपर वर्क अच्छा होना चाहिए अगर लोन लेना है, और वहां पे प्रेजेंटेशन अपना अच्छा होना चाहिए बैंक में, प्रेजेंट अपन प्रॉपरली करते हैं कि तुम जिसलिए लोन मांग रहे हो वो क्यों मांग रहे हो, तुम्हारा रीजन जेन्युइन होना चाहिए, तो जरूर देते हैं। तो जो इन्होंने पॉइंट बताया क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, अगर फैक्ट्री है तो तुम्हारा डीन, तुम्हारा टीन, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिक बिल, वो सारा प्रॉपर खुद का प्रॉपर होना चाहिए, वो सारा इन्होंने मुझे गाइड किया था। तो हम लोग वहां गए बैंक में, और बैंक में मैंने बताया कि मैं लोन जो कॉस्मेटिक मेरा प्रोडक्ट है वो पूरा हर्बल है विदाउट केमिकल, उसको मैंने एक प्रॉपरली प्रेजेंट किया, तो मैनेजर बहुत इंप्रेस हुए और हमें 10 लाख का लोन मिला, 3 लाख मशीन के लिए और 7 लाख सीसी के लिए। इस तरह से मुझे एक प्रॉपरली बहुत अच्छे से लोन मिला। थैंक यू भरत भाई, और रियल में बोलूं भरत भाई के पास जब भी जाओ ऐसा लगता है कि ऑफिस में शायद वो सेवा करने के लिए ही बैठे हैं, वो जब भी जाते हैं 1-2-5 मिनट में ऑफिस के अंदर बुला लेते हैं और अपने से आधे घंटे तक बैठे बैठे बात करते हैं। तो मैं कई बार बोलती भी हूँ कि भरत भाई के पास जाते वो अपने से बात करते तो अपना काम कब करते हैं, तो जो मेरे साथ में रहते हैं उनसे बात भी करती रहती हूँ इस तरह से। बहुत अच्छा, ये सेवा भावी व्यक्तित्व है। और पूजा जी मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि जिस मुद्रा लोन से आपने इतनी उन्नति की है तो आप भी अपने आजू बाजू की जैन बहनों की मदद करिए, उनको भी गाइड करिए कि वो किस तरह से अपने पैर पे खड़ी हो सके। तो जैसे एक चैन से एक कड़ी से एक कड़ी जुड़ती है तो चैन बनती है, वैसे ही हमें भी करना है। एक और बात बोलनी थी मुझे शर्मिला जी से, मैं एक बात करना चाहूंगी, उन्होंने जिसे बोला था हेल्दी फूड, मेरे 5 से 6 भोजन ग्रुप चलते हैं जैनों के, मैं उसमें ओनली औरतों को हेल्दी फूड जो बिस्किट से लेके सब कैसे बनाना, मैं कोई चार्ज वगैरह नहीं, बस ऐसे ही रेसिपी भेजती रहती थी और लोग सीखते थे, और मैं उन औरतों को बोलती थी आप घर बैठे ये काम कर सकते हो। तो बहुत सारी औरतों ने बांसवाड़ा में है, जबलपुर में है, ऐसे उन्होंने अपना काम चालू किया था। मगर अभी जो उन्होंने नूडल्स की बात की तो नूडल्स का मुझे अभी तो कोई मिला नहीं, फिर मैंने अभी तय किया है वो काम मैं खुद करने वाली हूँ, लगभग शायद कुछ मेरा अभी एक्सपेरिमेंट चालू है हेल्दी नूडल्स पे, अगर वो रेडी हो गया तो मैं शायद मैं ही खुद मार्केट में उतारने वाली हूँ। वेरी गुड, मुझे जरूर हेल्प करे उसमें। ऑफ कोर्स, श्योर, डेफिनेटली, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला जी, आपने वाकई बहुत ही वैल्यूएबल आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो आपने शेयर किया, और ना सिर्फ अपने तक नहीं रखा, आप चाहती कि दुनिया में हर तरफ आपकी तरह एम्पावरमेंट हो, सब लोग एम्पावर्ड हो, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है। और आगे भी आप इसी तरह से हमारे प्रोजेक्ट में जुड़िए, हमको गाइड करिए, मैं तो बहुत छोटी बहुत नई हूँ इस फील्ड में और पता नहीं कुछ इतना जानती नहीं, लेकिन हमेशा से आप मेरी आदर्श रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह हमें गाइड करिए, सभी महिलाओं को, पुरुषों को आप गाइड करिए, जितना ज्ञान है आपके पास वो जरूर से हम सब साथ में मिलकर काम करें तो अच्छा रहेगा। जॉयत भाई साहब और काका को मेरी रिक्वेस्ट है कि ये प्रोजेक्ट आप सारे जोन्स में ले जाइए, बहुत जरूरत है, और स्पेशली पैंडेमिक्स के बाद इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे जोन्स में ये इम्प्लीमेंट करिए आप। जी, तो भाई साहब अगर आप आदेश दें तो अपन आगे कुछ ये वाइंड अप करें। यस यस जी, थैंक यू जी, तो थैंक यू, धन्यवाद सबको, थैंक यू सब, थैंक यू ममता जी, धन्यवाद बोलिए। Yes. मनीष जी नहीं है और मनीष जी की जगह मुझे उनकी ड्यूटी करनी पड़ रही है, तो हालांकि मैं सबको एकदम से नहीं जानती हूँ, लेकिन जितने भी लोग आए हैं और आज हमसे जुड़े हैं और अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया है, और इतनी अच्छी चीज जो मुद्रा लोन है वो ना, ये ज्ञान आप अपने तक मत रखिए और इसको फैलाइए, आप लोगों तक बांटिए, लोगों की मदद करिए, अगर आप सक्षम है तो सबको सक्षम बनाइए, और इसी आशा के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और अगली बार हम ऐसे ही कोई बहुत अच्छे और उपयोगी सब्जेक्ट के साथ, मुंबई जोन आपसे वादा करता है, जीटो मुंबई जोन, कि फिर आपके साथ मिलेगा, फिर आपसे बातें करेगा, और तब तक के लिए हमें धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद, धन्यवाद सबको, जय जिनेन्द्र, जय हिंद।